यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हो आप सब? जल्दी से कमेंट सेक्शन दिल दिल आग आग बॉम बॉम लिट अप कर देंगे. स्टार्ट करते हैं हम आज से हमारा सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस मई 2024 पावर बैच. चलो चलो जल्दी से, वेटिंग फॉर यू ऑल टू लिट अप द कमेंट सेक्शन. यस, गुड मॉर्निंग गाइस. चलो, सो बिफोर बिगिनिंग, फटाफट से 10 मिनट में हम करने क्या वाले हैं, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, मैं कैसे बैच को अप्रोच करने वाली हूँ और आपको कैसे ये बैच मेरे साथ अटेंड करना है, सारी चीजें जल्दी से डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस. चलो, यस एवरीवन. सो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस का पावर बैच. अब जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, पावर बैच, तो बिल्कुल पावर के साथ, जोश के साथ बैच को अटेंड करना है. ये नहीं कि रोज सुबह 7 बजे का लेक्चर है तो बस उठ गए, ऐसे ही बेड में लेटे लेटे लैपटॉप से देख रहे हो. नहीं, यू हैव टू बी एक्टिव, एनर्जेटिक, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के लेक्चर में आना है, बिकॉज 3.5 आवर्स का लेक्चर होगा और मैं आपसे बहुत मेहनत करवाने वाली हूँ. ट्रस्ट मी, आपको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखना है, नोटबुक में कुछ चीजें मार्क करवाऊंगी, मेरे साथ स्क्रिबल करना है. सो यू विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? एक बार क्विकली से बता देती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं. 45 आवर्स इज द टारगेट, अप्रोक्सीमेटली 14 और 15 लेक्चर्स. तो एज आई सेड, रोज 3 to 3.5 आवर का लेक्चर होगा, बीच में 15 मिनट का हम ब्रेक ले लेंगे. तो 15 3 हम समझते हैं 45, तो 14 to 15 days में हमारा पूरा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा. मैम, 100% कवरेज करवाने वाले हो क्या? जीएसटी और कस्टम्स पूरा करवाऊंगी, एफटीपी का एनीवेज सेपरेट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है 1 घंटे का, और इस बार के लिए हम नया भी ले लेंगे. तो एफटीपी हम इस बैच में कवर नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर्ड है. तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद करना है, वो यूट्यूब से वीडियो डाला हुआ है, देयर इज नो चेंज इन इट. जो नवंबर 23 में था वही था, तो वो आप एज इट इज कर सकते हो. उसके अलावा जीएसटी और कस्टम्स हम पूरा इस बैच में कवर करने वाले हैं. बैच इज गोइंग टू बी लाइव मॉर्निंग 7 to 10:30 AM. 50% बैकअप आपको मिल जाएगा. वैसे तो कोशिश करना है कि कोई भी सेशन मिस ना हो, क्योंकि लाइव में जो मजा आने वाला है ना, इट इज अनमैच्ड रिकॉर्डेड, तो फिर वो कोई भी नॉर्मल लेक्चर जैसा हो जाएगा. एंड एज आई कीप सेइंग कि पावर कोई लेक्चर नहीं है. अगेन, ओ सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड, स्क्रीन को भी थोड़ा सा ज्यादा ही जोश आ गया. यस यस यस, चलो अब सही है, अब सही है. चलो, तो भाई लाइव है जिसके साथ 50% बैकअप मिल जाएगा. वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो, बिकॉज दैट इज द चार्म ऑफ पावर बैच. इन केस कुछ मिस हो भी जाता है तो 50% बैकअप आपके पास रहेगा. मतलब टोटल ड्यूरेशन बैच का 45 आवर्स है, तो 22.5 आवर्स का आपके पास टोटल बैकअप अवेलेबल है. तो जो लेक्चर मिस हो जाता है, जैसे आपको ये 22-23 आवर्स अपने यूज करने हैं, वैसे आप इनको यूज कर सकते हो. ठीक है, अमेंडमेंट्स का क्या है? तो 31 अक्टूबर 2023 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जो आपकी मई 24 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स हम इस बैच में कवर कर लेंगे. तो आफ्टर यू कंप्लीट दिस पावर बैच, आपको फिर यूट्यूब पे कोई एडिशनल अमेंडमेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है. सारी चीजें जो भी आपके एग्जाम में आएगी, सब कुछ हम इस बैच में कवर करेंगे. पेपर राइटिंग कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ हमारी बैच में डिस्कस हो जाएगा. इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल में ही अपने डाउट्स पोस्ट करेंगे. सेम डे आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल योर डाउट्स. इसके अलावा कोई पर्सनल दुख पीड़ा दुविधा हो रही है तो 9714111666 इज माई नंबर, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. आप इस पे मुझे टेक्स्ट, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कुछ भी ड्रॉप कर सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू. चलो बताओ बताओ जल्दी से, सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके है, डिस्को इश्यू भी सॉल्व्ड है, तो स्टार्ट करें क्या हम? इससे ज्यादा क्या ही डिटेल बताऊं, सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी. हमने कल एक छोटा सा 10 मिनट्स का वीडियो डाल दिया था यूट्यूब पे, कैसे हम पावर बैच को अप्रोच करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं. देखो, मैं तो आपको मस्त सारा कवरेज करवाने वाली हूँ. आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए? आपकी तरफ से मुझे 3 वादे चाहिए. जल्दी जल्दी से मुझे 3 वादे कर दो तो उसके बाद हम हमारे सेशंस को स्टार्ट करेंगे. 3 वादे चाहिए आपकी तरफ से, कौन से? सबसे पहला, लेक्चर शिद्दत से रोज लाइव अटेंड करोगे,
टाइम पे आओगे, ऐसा नहीं कि लेट आ गए, थोड़ा बहुत मिस हो गया, बाद में देख लेंगे, नहीं। पहला वादा 100% कोशिश रहेगी कि रोज टाइम पे आएंगे और टाइम पे पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे। When I say you have to write in comment section, give me answers, I want you to write in comment section and give me answers. When I tell you scribble along with me, you will have to scribble along with me. यानी जो requirement number one है ना, वो honesty है कि जो मैं बोल रही हूँ वैसा आप literally follow कर रहे हो और मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है? Honesty का वादा चाहिए पहला। दूसरा वादा चाहिए dedication का। ये कैसे करेंगे मैम? 3 to 3.5 hours के हमारे sessions रहेंगे। इसके बाद आपको रोज अपने आप से 2 hours और होमवर्क में आईडीटी को देने हैं। ये है मैम, आप होमवर्क देने वाले हो क्या? अंडरस्टैंड, होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, बट व्हाट इज माय टारगेट कि ये 15 डेज में जब हम हमारा पावर बैच कर रहे हैं, साथ ही में आपका पूरा आईडीटी का फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाए। ये कोई रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज आई सेड, आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट पावर बैच इज नॉट फॉर फर्स्ट टाइमर्स। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपने देखा है, सुना है, बहुत पहले शायद भूल गए हो, लेकिन आपके दिमाग में तो है, पढ़ तो आपने रखा है। तो यानी हमारा ये सेशन होने के बाद, एंड ऑब्वियसली हम सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस तो पावर बैच में कर नहीं सकते, वो तो फिर रेगुलर बैच ही हो जाएगा। तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो हम क्लास में करेंगे। आपको इन 2 घंटे में क्या करना है, जो भी टॉपिक्स मैं रोज के रोज पावर में कंप्लीट करवा रही हूँ उनका एक रिविजन और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट करके फिर ही नेक्स्ट लेक्चर को मेरे साथ अटेंड करना है। डेडिकेटेडली रोज, 45 आवर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके साथ आपको मुझे ये 15 डेज में 30 आवर्स जितने और दे देने हैं। यानी कि टोटल 70 से 75 आवर्स की मेहनत में जब 15 डेज हमारे कंप्लीट होंगे, तब आप इतने रेडी हो जाओगे कि यस मैम 80+ तो हम आईडीटी में लाने ही वाले हैं। तो पहला वादा ऑनेस्टी का चाहिए, दूसरा वादा डेडिकेशन का चाहिए, और तीसरा वादा गैजेट से दूर रहोगे। सुबह सुबह तो आपका बेबी बाबू भी नहीं उठता होगा, गुड मॉर्निंग मैसेज ड्रॉप करके 7:45 बजे क्लास में आ जाने का कि बेबी अब हम सीधा लंच टाइम पे मिलेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर्स, इवन जब मैं ब्रेक दे रही हूँ, ब्रेक के टाइम पे भी आपको अपना फोन, लैपटॉप, कुछ भी, कोई भी सोशल मीडिया, कुछ भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका सारा ध्यान सिर्फ लेक्चर में होना चाहिए। मैं बहुत ही पजेसिव टीचर हूँ, मेरे को नहीं पसंद कि लेक्चर के टाइम बच्चों का ध्यान कहीं पे और है, राइट? तो भाई कभी भी आपको ये लेक्चर्स जब तक चल रहे हैं तब तक आपको अपनी नो मोबाइल पॉलिसी लेके चलना है, राइट? बस फटाफट से मेरे को ये 3 प्रॉमिस कर दो, लिख दो यहाँ पे कि यस मैम प्रॉमिस है, मान रहे हैं, 3 चीजें करेंगे, एंड उसके बाद लेट्स सी हु स्टॉप्स अस टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 80+। डन। चलो आ जाओ। तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी दी फ्लो ऑफ लेक्चर्स? दी फ्लो ऑफ लेक्चर्स इज गोइंग टू बी के पहले हम लोग जीएसटी करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कस्टम्स करने वाले हैं। अब एक बार क्विकली चेंज बताऊं तो नवंबर 2023 में अगर आपने आईडीटी पढ़ रखा है तो वहां से 3 चेंजेस है। सबसे पहला, जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन नाम का जो चैप्टर था विच इज नाउ नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर था, नाउ नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स। एंड थर्ड चेंजेस, एथिक्स का एक चैप्टर एड हुआ है। उसके अलावा वेटेज में चेंज है, पहले 75-25 हुआ करता था बट अब 80 मार्क्स का जीएसटी आएगा और 20 मार्क्स का ही कस्टम्स प्लस एफटीपी दोनों आएगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारा मेजर फोकस कहाँ रहना चाहिए और कैसे हमको इस टारगेट को अचीव करना है जो 80+ का मैम ने दिया है। ड्यूरिंग द सिलेबस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज लेक्चर्स, हम डेफिनेटली एबीसी को स्टिक करेंगे क्योंकि हमको 45 आवर्स में सारी चीजें कंप्लीट करनी है। जो ए एंड बी कैटेगरी होगा उस पर ज्यादा पूरा फोकस देंगे, सी कैटेगरी चीजें स्किप नहीं करूंगी, बताऊंगी, बट एक्सपेक्टिंग कि उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब कुछ करवा दो तो वो पॉसिबल नहीं होगा बैच में, बिकॉज दिस इज अ पावर बैच। कॉन्सेप्ट आपका एक भी लूज नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, सारे सेक्शन नंबर्स आपको क्लास में याद करवाऊंगी और जो भी रेलेवेंट चीजें हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, आई विल मेक श्योर कि नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट लर्निंग, रिमेम्बरिंग पोर्शन भी हमारा लेक्चर्स के साथ ही हो जाए। पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, 30 मार्क्स वही, 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव, जैसे पहले पेपर पैटर्न था वही सेम पैटर्न आईडीटी के लिए कंटिन्यू होने वाला है। सो देयर इज नो चेंज इन पेपर पैटर्न, देयर इज ओनली चेंज इन वेटेज विच इज नाउ 80 जीएसटी एंड 20
कस्टम्स प्लस एफटीपी, राइट? यस। तो चलो, पर मैम अभी आपने बोला कि जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन तो निकल गया है, तो फिर आपने अपनी बुक में क्यों दे रखा है? बिकॉज जब आप आईसीएआई मॉड्यूल खोलोगे तो उसमें सप्लाई चैप्टर के बाद पीछे उन्होंने एक एनेक्शर दिया है, और एनेक्शर में उन्होंने जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन का जितना रेलिवेंट पोर्शन है वो दिया है। ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में उसको नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन मॉड्यूल में दिया है बिकॉज आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जितना काम का है जो आगे के लेक्चर्स में आपको बेस बनाने के लिए हेल्प करेगा, बस उतना हम कवर करेंगे। बाकी एग्जाम में आपको ये चैप्टर पढ़ के नहीं जाना है, एग्जाम में आप ये जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन पूरा छोड़ के चले जाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अभी बैच में आपको एक बात करवाने वाली हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपको आगे काम आएगा, सिर्फ उतना। उसके अलावा हम पूरे सब्जेक्ट को तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द कोर जीएसटी। What do we understand by the core chapters? यानी जिसके बिना तो कभी पेपर बनता ही नहीं है, या जिसके बिना आपका IDAT का अंडरस्टैंडिंग ही फ्लॉड है। जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई ही नहीं पता तो जीएसटी कैसे चार्ज करोगे, RCM के provisions, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC, ये चीजें जिनके बिना पेपर नहीं बनती, या जिनके बिना आपको समझ नहीं आता कि IDAT क्या होता है, ये हमारी कोर चीजें हो जाएगी जो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल पार्ट्स। कि प्रोसीजरल पार्ट्स क्या होता है, असेसमेंट कैसे किया जाता है, रिटर्न्स कैसे भरते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। तो जीएसटी में जो हमको प्रोसीजर्स करनी है ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड उसके बाद आते हैं हमारे कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स, जैसे कि एडवांस रूलिंग हो गया, जॉब वर्क हो गया, ये जो छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं, या लास्ट में एक मिसलिनियस नाम का ही चैप्टर है, नाम ही खुद का ही मिसलिनियस है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। हमारा मेजर फोकस होगा पावर बैच में कोर को एकदम अच्छा डिटेल में करें, प्रोसीजरल का अंडरस्टैंडिंग ले, एंड मिसलिनियस एज द टाइम परमिट्स उस हिसाब से हम उसको अप्रोच कर लेंगे। मैम अगर मेरे पास इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट ICAI SM है तो क्या मुझे नोट्स की जरूरत है? द आंसर इज येस। क्यों मैम, ये SM 100% अपडेटेड नहीं है? नहीं है। इंस्टीट्यूट का जो SM है वो अक्टूबर खत्म होने के पहले ही इंस्टीट्यूट ने BOS पे वेब होस्ट कर दिया था, और 31 अक्टूबर तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं सारे आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। एंड मैं बताऊं आपको तो 31 अक्टूबर के दिन भी 3 नोटिफिकेशंस आए थे, तो एग्जैक्ट ऑन 31 अक्टूबर ऑल्सो देर वर नोटिफिकेशंस इशूड बाय CBIC विच आर नाउ एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। यानी जो इंस्टीट्यूट का BOS पोर्टल पे ICAI स्टडी मटीरियल है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स अभी भी मिसिंग है। जुलाई अगस्त तक के अमेंडमेंट्स इस बुक में है, उसके आगे के अमेंडमेंट्स बुक में नहीं है। यानी आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते, या तो फिर आपको इसके साथ इंस्टीट्यूट का स्टैट्यूटरी मटेरियल देखना पड़ेगा जो समवेयर अप्रोक्सीमेटली 75 पेजेस का और है। बेटर है एक ही बुक पे ट्रस्ट करो और एक ही बुक के साथ आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर्स आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक हमारी हैंड रिटन नोट्स और दूसरा हमारा क्वेश्चन बैंक, विच इज मोर देन इनफ टू स्कोर 80+। उसके अलावा कोई भी और एडिशनल बुक की, क्वेश्चन बैंक की, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। नई बुक अभी तक आपने नहीं ली है तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, काइंडली ले लो। लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चलो, सो विद दिस लेंगे भगवान का नाम एंड शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ IDT GST इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? नहीं। ABC कौन सा कैटेगरी है? नो कैटेगरी है, क्योंकि एग्जाम में तो टेस्ट होने ही नहीं वाला है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। चलो, पावर बैच है तो अब ये सब नहीं समझा रही कि जीएसटी इन इंडिया कब आया था, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं विद दिस पार्ट कि जीएसटी में स्टेट्स क्या होते हैं और यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। ये हमको क्यों समझना है? अंडरस्टैंड, कभी क्वेश्चन ने एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि हमने लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में सेल किया और आपको जीएसटी कैलकुलेट करके देना है उनको, आपको सारे प्रोविजंस आते हैं, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई सही से गिन लिया, रेट वेट सब कुछ सही से निकाल लिया, बट यू शुड बी नोइंग कि लक्षद्वीप क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे केस में लास्ट में जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो CGST प्लस SGST कैलकुलेट नहीं करना है, आपको CGST प्लस UTGST कैलकुलेट करना है। The only idea is कि आपको पता होना चाहिए जीएसटी में क्या स्टेट्स हैं और क्या यूनियन टेरिटरीज है, इस पर्पस से हम इसको पढ़ते हैं। ऐसा लाइफ में कभी MCQ नहीं आएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन टेरिटरी, ना ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाए कि भाई हमको क्या करना है,
सी प्लस एस जी एस टी चार्ज करना है या सी प्लस यू टी जी एस टी को चार्ज करना है। तो इसलिए बताओ इंडिया में स्टेट्स कितने हैं ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली अगर आप आज स्कूल में होते, अगर आप आज स्कूल में होते तो क्या पढ़ते ज्योग्राफी में, इंडिया में कितने स्टेट्स है। इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स है। इंडिया में प्रेजेंटली क्या है, 28 स्टेट्स है ज्योग्राफिकली। लेकिन जीएसटी बोलता है नहीं नहीं 31 है। आई तो जीएसटी ने तीन स्टेट किधर से पैदा कर लिया, 28 जो ज्योग्राफिकल स्टेट्स है वो तो है ही, प्लस तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। नाउ वी नो कि जम्मू कश्मीर भी अब से एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। सो दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ये तीन यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। जैसे मतलब कैसे देखो, दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फिर भी दिल्ली का खुद का चीफ मिनिस्टर है। हाँ मैम कौन नहीं जानता उनको। तो ऐसे ही दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ये ऐसे ज्योग्राफिकली तो यूनियन टेरिटरीज मानी जाती है, लेकिन इनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद के चीफ मिनिस्टर है, और जीएसटी पर्पज से हम इनको क्या मानते हैं, स्टेट ही मानते हैं। यानी अगर मैं दिल्ली से दिल्ली सप्लाई कर दूं तो क्या सी प्लस एस जी एस टी लगेगा, हाँ तो सी प्लस यू टी जी एस टी नहीं लगेगा, इवन दो ज्योग्राफिकली दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो जीएसटी में आज टोटल कितने स्टेट्स है जीएसटी में, भाई ज्योग्राफी के हिसाब से कोई आपको पूछेगा तो 28, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंडिया में कितने स्टेट्स है तो आप क्या बताओगे, 31 स्टेट्स है। जो 28 है वो तो है ही, प्लस दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनको भी हम जीएसटी पर्पज से क्या मानते हैं, स्टेट ही मान लेते हैं, राइट। अभी टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है ज्योग्राफिकली, 8। पर मैम जम्मू कश्मीर एक और बनी तो 9 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 8 यूनियन टेरिटरीज थी, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया, एंड पहले दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव दो अलग यूनियन टेरिटरीज थी जिनको अब मर्ज करके एक ही बना दिया। तो 8 प्लस 1 हुई जम्मू कश्मीर, माइनस 1 फिर से हो गई क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड प्रेजेंटली ज्योग्राफिकली ओनली 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। वाह मैम आप तो जीएसटी के साथ ज्योग्राफी भी सिखाते हो, बिल्कुल। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें से तीन हमको पता चल गया कि विथ लेजिस्लेचर है, जिनको स्टेट मानना है। तो जो बची हुई 5 यूनियन टेरिटरीज है जिनको हम प्यार से बोलते हैं ऑल सिटी, जो बची हुई 5 यूनियन टेरिटरीज है जिनको हम प्यार से बोलते हैं ऑल सिटी, ये ऑल सिटी क्या है, ये ऑल सिटी विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरीज है। यानी अगर अंदमान टू अंदमान सेल किया, लक्षद्वीप टू लक्षद्वीप सेल किया, लद्दाख टू लद्दाख सेल किया, तो फिर ऐसे केसेस में सी प्लस यू टी जी एस टी चार्ज करूंगी, ना कि सी प्लस एस जी एस टी, राइट। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ऑल सिटी याद कर लेना है, उसके अलावा जो भी आएगा वो सब जीएसटी में स्टेट ही माना जाएगा। ऑल सिटी क्या है, ऑल सिटी है अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जल्दी से मेरे साथ बताएंगे 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर कौन से हैं। तो ऑल सिटी क्या है, ये ऑल सिटी अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद आपको आना चाहिए नेक्स्ट चीज, विच इज 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी। इनका क्या काम है मैम, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन लेवी में, एग्जेम्पशंस चैप्टर में, कई जगह पे इनमें से कुछ स्टेट्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इनके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स एप्लीकेबल होती है। तो वन फॉर ऑल एक ही बार याद कर लेंगे ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, फिर जहां जहां पे भी आएगा मैं आपको रिस्पेक्टिव रेफरेंस देती जाऊंगी। तो ये जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जीएसटी में, इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इनको हम प्यार से बोलते हैं नो अस्थमा, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। भाई ये स्पेशल स्टेट्स है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, यहाँ पे किसी को भी अस्थमा नहीं होता। बहुत बार आंध्र प्रदेश देते हैं, एंड डू नॉट कंफ्यूज आंध्र प्रदेश टू बी अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इट इज अरुणाचल प्रदेश। कॉम्पोजिशन लेवी के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग लिमिट है। ये लोग क्वेश्चन में जानबूझ के आंध्र प्रदेश देते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखना भाई, दोनों में कोई नेक्सस नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेट्स है, एंड अरुणाचल प्रदेश इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नॉट आंध्र प्रदेश। यू से उत्तराखंड और जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तराखंड और जे से जम्मू कश्मीर। क्या हुआ, वीडियो लैग क्यों हो रहा है, वन सेकेंड, वाईफाई इज वर्किंग फाइन।
अब ठीक है वीडियो। वन सेकेंड। यस चल, डन 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 डन। ओके चलो, फिर से मेरे साथ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी। फिर से मेरे साथ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी। नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। नो से बोलेंगे तो नागालैंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी, जिनको कई जगह पे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अलग तरीके से मतलब इनके लिए अलग एग्जेम्पशन है, इनके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। तो एक ही बार में सारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, एक ही बार में सारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को लर्न करेंगे। नो से बोलेंगे तो नागालैंड। चलो चैट बॉक्स में मेरे साथ लिखते जाओ फटाफट से। नो से बोलेंगे तो नागालैंड, देन आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा। मैं भी लिखू क्या आपके साथ? हाँ मैम, आप क्यों आलस करते हो? तो चलो, नो से बोलेंगे तो नागालैंड, ए से आसाम, एस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा। आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा। जब भी मैं बोलूं एम आपको क्या बोलना है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। जब भी मैं बोलूं एम आपको क्या बोलना है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए से ध्यान रखेंगे, इट इज अरुणाचल प्रदेश, इट इज नॉट आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पे वेस्ट वाले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, जिनको समझ में नहीं आता क्या कहाँ पे है। तो ध्यान रखेंगे, ए इज अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश। यू से उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? ये हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। अगर आप लाइब्रेरी में लेक्चर्स नहीं देखते हो, घर पे लेक्चर्स देखते हो, तो फिर मेक श्योर 3.5 घंटे आपके रूम से फुल आवाज आनी चाहिए। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के आपको लर्न करना है। लाइब्रेरी में बैठे हो तो फिर अलग बात है। बिल्कुल आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, बच्चा रूम में पढ़ाई कर रहा है या कर रही है। क्लासिफिकेशन एट दिस स्टेज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। गुड्स के लिए हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एचएसएन कोड में सारे गुड्स क्लासिफाइड है और हर एचएसएन कोड के लिए रेट अवेलेबल है, तो वहां से हम पर्टिकुलर गुड्स के लिए रेट ऑफ टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्विसेज के लिए न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है। कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं? तो सारे मतलब जो भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस थे, जो सप्लाई के रिलेशन में एग्जिस्ट किया करते थे, वो सारे के सारे टैक्सेस आज की तारीख में जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं। बात हम करते हैं टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड की। एग्जाम में आने वाला है? नहीं। याद करने की जरूरत है? नहीं। समझना है? हाँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आगे ये मैप और सबके रेफरेंसेस आएंगे, तो समझना जरूरी है, लर्न करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स है, फिर भी समझना डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। वैसे तो आज की तारीख में अगर हम बोलेंगे तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले एग्जिस्ट किया करते थे, सबको सब्स्यूम करके हमने वन नेशन वन टैक्स बनाया है जीएसटी। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी आने के बाद भी कंटिन्यू हो रहे हैं और अभी भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। सबसे पहला क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेसिफिकली वही अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है। यानी कि मानो कोई सैनिटाइजर की फैक्ट्री है, अब सैनिटाइजर में भी अल्कोहल यूज होता है, बट दैट अल्कोहल इज इंडस्ट्रियल पर्पज यूसेज। ठीक है, हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उस अल्कोहल से हम सैनिटाइजर बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उस पर तो जीएसटी लगता है। सिर्फ जो पीने के काम आता है वही वाले अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा है। क्यों? तो क्यों का जवाब सिंपल है, इस पे स्टेट टैक्सेस पहले लेवी किया करते थे जो कि बहुत हाई है। अगर जीएसटी लगा देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स का लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा और वो कभी जीएसटी आने नहीं देते, तो इसीलिए उनको खुश रखने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, दो ऐसी चीजें हैं जिन पे आज की तारीख में जीएसटी लगता ही नहीं है। सबसे पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि चार्जिंग सेक्शन में ही लिख दिया, बैर एक्ट में ही लिख दिया कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना जीएसटी लगता था, ना लगता है, ना आगे लगने वाला है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी एक्साइज और सेल्स पे आज भी वैट और सीएसटी ही लगता है। उसके बाद है हमारे मैप वाले प्रोडक्ट्स। इनको हमने बोला कि
तुम जाओ और जाके नैप ले लो। तुम जाओ और जाके नैप ले लो, तुम पे हम आज जीएसटी नहीं लगा रहे, लेकिन फुटुरे में, लेकिन फ्यूचर में बोलेंगे तो फुटुरे में जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को एक डेट रेकमेंड करेगा, जो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, और उस डेट से इन पांचों चीजों पे हम जीएसटी लगा देंगे। डिफरेंस समझना, आज की तारीख में ना इस पे जीएसटी लगेगा ना इस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अल्कोहल से तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में ही लिख दिया कि इस पे तो हम जीएसटी लगाने ही नहीं वाले। लेकिन ये जो नैप है ना, इनको अभी हमने सिर्फ नैप लेने भेजा है, जब काउंसिल की इच्छा होगी तो इनके मुंह पे पानी की बाल्टी फेंक के मार के उठाएंगे इनको, और इनके ऊपर हम जीएसटी लगाना शुरू कर देंगे। तो ये नैप क्या है? ये नैप है हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, जिन पे अभी सेंट्रल एक्साइज और वैट जीएसटी लगता है। हावेवर फ्यूचर की एक डेट से गवर्नमेंट इन पे भी जीएसटी लगाने वाली है। एंटरटेनमेंट टैक्सेस यूं तो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई लोकल बॉडीज लेवी करती थी एंटरटेनमेंट टैक्सेस, तो वो लोकल बॉडीज वाला एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करने का पावर आज भी लोकल बॉडीज के पास है। फिर हम बात करें टोबैको और ड्रग्स की, तो एज आई सेड अभी दो ही चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल हो गया और नैप हो गया। इन पे जीएसटी तो लगता है, लेकिन इन पे जो एक्साइज था ना वो भी कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो टोबैको और ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स ड्रग्स, कंसिडरिंग कि ये सब क्या है, सिन गुड्स है, किसी का भला तो कर नहीं रहे, ज्यादा टैक्स लगाओ इन पे, तो टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, ओपियम नशे वाली चीज है, हमेशा स्टेट के हाथ में होती है। तो देखो अल्कोहल क्या है, नशे वाली चीज है, तो इस पे भी स्टेट एक्साइज लगता है। ड्रग्स क्या है, नशे वाली चीज है, इस पे भी स्टेट एक्साइज लगता है। बाकी जो चीजें बची है उन पे सेंट्रल एक्साइज लग जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है और इनके सेल्स पे जीएसटी लग जाता है। बाकी हम समझते हैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग है, तो उस पे स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्सेस लगते हैं, तो ये चीजें भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। कॉमन पोर्टल क्या है जीएसटी पे, अभी हमको समझने की जरूरत नहीं है, एज आई सेड एग्जाम में नहीं आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी ठीक है, जीएसटी काउंसिल भी ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम पावर बैच में तो डेफिनेटली इनको टाइम नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड यू टू रिमेम्बर। क्या क्या याद रखना है, स्टेट कौन से हैं, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। बस इतनी सी ही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये जो जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें से आप ये तीन चीजें याद रख लो, क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाली है। उसके अलावा आप कुछ भी एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। चल गिव मी वन सेकेंड। चलो आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द मोनेटाइजेशन, ठीक है। चलो अभी एड नहीं आए, अभी एड नहीं आएगा। जीएसटी काउंसिल एंड एवरीथिंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, सो वी आर नॉट कवरिंग। एज आई ऑलरेडी सेड कि ये पूरा चैप्टर ही अब सिलेबस से निकल चुका है, पूरा चैप्टर सिलेबस से निकल चुका है, तो एग्जाम में आने नहीं वाला। तो फिर पावर बैच में जीएसटी काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने के लिए टाइम देना नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉड्यूल में जो एनेक्शर दिया है उस एनेक्शर में ये सारी डिटेल्स है, तो मैंने भी बुक में रखी है कि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। राइट, अरे स्पीड का क्या इशू है बाबा, अभी तक जो पढ़ा वो एग्जाम में आने ही नहीं वाला है, तो स्पीड धीरे हो कम हो क्या मतलब, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चल अब हम स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर जीएसटी, ठीक है। तो क्या ऐसे डेफिनेशंस है जो आपको याद होनी चाहिए, जो सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो ये है निखिल और यहां पे है हमारे साथ दिवांशी, ठीक है। निखिल की एक शॉप है, दिवांशी आई यहां से चॉकलेट परचेस करने के लिए। सो निखिल ने क्या किया, निखिल ने दिवांशी को चॉकलेट दिया,
निखिल ने देवांशी को चॉकलेट दिया, देवांशी ने सामने क्या किया, निखिल को मान लो 50 रुपीज दे दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स है जो हम यूज करने वाले हैं, बताओ निखिल इस ट्रांजैक्शन में कौन हुआ, निखिल इस ट्रांजैक्शन में कौन हुआ ये बताओ। निखिल ने देवांशी को चॉकलेट सप्लाई किया, निखिल ने क्या किया, देवांशी को चॉकलेट सप्लाई किया, तो निखिल यहाँ पे कौन हो गया, सप्लायर हो गया। देवांशी ने क्या किया, चॉकलेट रिसीव किया और सामने कंसिडरेशन पे किया, तो देवांशी कौन हो गई, यहाँ पे रेसिपियंट हो गई। ठीक है, चॉकलेट क्या है इधर, जो सप्लाई हुआ है, जो सप्लाई हुआ है वो चॉकलेट क्या है इधर, तो वो तो गुड्स है मैम, और ये 50 रुपीज को हम क्या बोलेंगे, तो ये तो कंसिडरेशन हो गया मैम। बस यही तो है जीएसटी, हमको क्या करना है, हमको एक एक टर्म का अब डेफिनेशन समझना है, हमको एक एक टर्म का डेफिनेशन समझना है कि हम सप्लायर एग्जैक्टली किसको बोलेंगे, जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा, जिसको रेसिपिएंट रिसीव करेगा और सामने कंसिडरेशन पे करेगा। एक एक करके इन सारे चीजों का डेफिनेशन समझ गए, मतलब हम पूरा जीएसटी का बेस समझ चुके हैं। सबसे पहले किसी भी टैक्स में होता है टैक्सेबल इवेंट, किसी भी टैक्स में क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट होता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टैक्सेबल इवेंट, देखो इनकम टैक्स कब लगता है, जब आपकी इनकम हो, बताओ आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए पड़े हो, तो आपको कोई ऑनलाइन फ्रॉड का डर होगा क्या कि कोई फ्रॉड कॉल आ जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बाबा बैंक में पैसा ही नहीं है तो चोरी क्या होगा, हमने इनकम ही नहीं किया है तो इनकम टैक्स क्या लगेगा, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कस्टम्स क्या लगेगा। यानी कोई भी टैक्स लगने के लिए सबसे पहले एक टैक्सेबल इवेंट होनी चाहिए जो ट्रिगर करेगी टैक्स की लेवी को। तो वैसे ही जीएसटी को ट्रिगर कौन करता है, जीएसटी को ट्रिगर करता है सप्लाई। भाई अगर कभी भी सप्लाई होगा, कहीं पे भी अगर सप्लाई किया जाएगा तो हम बोलेंगे कि जीएसटी लगेगा, नो सप्लाई नो जीएसटी, जैसे नो इनकम नो इनकम टैक्स, वैसे ही अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी लग ही नहीं सकता है। राइट, चलो सप्लाई किसका करना है, हमको सप्लाई करना है गुड्स या तो सर्विसेज का, क्यों भैया, क्योंकि नाम ही क्या है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो टैक्स तो पता है, टैक्स तो पता है भाई, एक ऐसा पैसा जो हमको जबरदस्ती सरकार को देना पड़ता है, इच्छा हो के ना हो, ये टैक्स है, तो ये टैक्स तो हमको देना है। कौन सा टैक्स, जो हम सप्लाई होने पे देंगे, किसका सप्लाई होने पे देंगे, तो या तो गुड्स या तो सर्विसेज, या तो गुड्स या तो सर्विसेज का सप्लाई होने पे हम ये टैक्स देने वाले हैं। तो इसके लिए हमको समझना जरूरी है कि गुड्स क्या होगा और सर्विस क्या होगा, क्योंकि एक और चीज समझ में आई कि अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस ही नहीं है, अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस ही नहीं है तो फिर उस पर टैक्स लगने की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे ही लगता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि गुड्स क्या होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड गुड्स क्या होते हैं। गुड्स के डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में, और ये डेफिनेशन आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुड्स के क्लेरिफिकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फिर एक्सपेक्टेड है कि आपको आंसर में पूरी की पूरी गुड्स की डेफिनेशन एज इट इज लिख के आनी है। तो गुड्स की डेफिनेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे साथ गुड्स की डेफिनेशन क्या करनी है, याद करनी है। डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में। गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स। डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स। सिंपल है, गुड्स का मीनिंग क्या है, गुड्स मीन्स क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, मतलब ये माइक है गुड्स है, फोन, कैलकुलेटर, वाटर बॉटल, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, या तो बोलो स्टेशनरी, कोई भी चीज जो मूवेबल है, फर्नीचर, हर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, गुड्स हो जाती है। तो मतलब क्या लैंड गुड्स होगा, द आंसर इज नो, क्योंकि लैंड क्या है, लैंड तो इमूवेबल है। तो हमको एक चीज समझ में आई कि भाई जो चीज मूवेबल है वो हर एक चीज क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। लेकिन अदर देन हम बोलते हैं मनी एंड सिक्योरिटी, अदर देन हम बोलते हैं मनी एंड सिक्योरिटी, यानी मनी और सिक्योरिटी पॉसिबली मूवेबल हो भी सकते हैं, फिर भी इनको तो हम कभी भी गुड्स नहीं मानेंगे। मनी क्या होता है, मनी क्या होता है, पैसा, मतलब मनी पैसा होता है, हाँ, यानी कोई भी INR जो इंडियन लीगल टेंडर है, या कोई फॉरेन करेंसी है,
प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हर चीज जिसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर ले कि ये एक एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ ट्रांसफर है, उन हर एक चीज को हम जीएसटी में क्या बोल देते हैं, मनी ही बोल देते हैं। इनफैक्ट कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी मनी ही माने जाते हैं, यानी हर चीज जिसको आरबीआई रिकॉग्नाइज कर ले एज एन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, वो हर चीज को हम मनी बोलते हैं। यानी आज मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने मुझे सामने 10 की 10 नोट दे दी, तो क्या इस ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। मियर एक्सचेंज ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, मनी गुड्स ही नहीं है तो फिर उस पर जीएसटी लगने की तो कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपने कोई करेंसी उसकी न्यूमिनिस्टिक वैल्यू के लिए होल्ड की है। वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई द टर्म न्यूमिनिस्टिक वैल्यू? मानो आपके पास 54, 58 पड़ी है, 1-1 रुपए के नोट जो पहले चला करते थे उसका कोई कलेक्शन पड़ा है, या आपने एक सेम सीरीज 001 सीरीज के सारे नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब आप इनको सेल करोगे, मतलब ये जो करेंसी आपके पास है ना, ये करेंसी आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज करने वाले हो, इनको आप खुद ही एज अ गुड्स यूज करने वाले हो। भाई आज मेरे पास अगर 1 रुपए के 100 नोट्स है तो मैं वो 100 में तो किसी को नहीं देने वाली हूँ, पॉसिबली 150, 160 में दूंगी, क्योंकि ये एंटिक चीजें हैं, रेयर चीजें हैं। तो ऐसी करेंसी जो आप खुद ही एज गुड्स यूज करने वाले हो सकता है कोई पुराने कॉइन्स है, कोई सीरीज के नोट्स है, नंबर है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसको तो हम गुड्स मानेंगे और उसकी सेल पे जीएसटी लग जाता है। सो मनी का एक ही एक्सेप्शन है कि करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिनिस्टिक वैल्यू इज नॉट मनी, यानी कि वो गुड्स हो जाता है। और बात करें अगर हम सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी यानी एग्जैक्टली वही चीज जो आप समझते हो, यानी कि शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है? सिक्योरिटी है। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में राइट परचेस करना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सिक्योरिटी ही है। मैम क्या डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटी होते हैं क्या? इस वाले क्लेरिफिकेशन पे कई बार एमसीक्यू या क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि क्या डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटी होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब जैसे कि फ्यूचर्स है, मानो आज मैंने सोयाबीन फ्यूचर लिया, आज मैंने सोयाबीन फ्यूचर ले लिया कि आज से 3 मंथ्स एक्सपायरी पे मैं इस पर्टिकुलर एक्स प्राइस पे सोयाबीन खरीद सकती हूँ। अब जब एक्सपायरी आएगी तो फिर ऐसे केस में क्या इनको भी हम सिक्योरिटी माने? द आंसर इज, अगर डेरिवेटिव्स को आप कैश सेटल करते हो, नेट सेटल करते हो, मतलब हमने जो प्राइस अग्री किया था फिर स्पॉट में जो भी प्राइस होता है, अगर हमारा जो भी गेन लॉस होता है हम सीधा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब मैंने एक्चुअली कभी किसी कमोडिटी फॉरवर्ड का, फ्यूचर का फिजिकल डिलीवरी नहीं लिया, तो ऐसे केसेस में ये नेट और कैश सेटलमेंट को तो हम सिक्योरिटी ही बोलते हैं। यानी आपके पास ऑप्शंस है, फॉरवर्ड्स है, फ्यूचर्स है, जिनमें आप सिर्फ गेन लॉस का एडजस्टमेंट करोगे लास्ट में, आपको जो अंडरलाइन गुड्स है उनका फिजिकल डिलीवरी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको भी सिक्योरिटी मानेंगे। और सिक्योरिटी हुआ मतलब गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है मतलब जीएसटी के परव्यू से बाहर। लेकिन यही मैंने जो मेरी अग्रीड प्राइस थी उस पे एक्चुअली सोयाबीन का फिजिकल डिलीवरी ले लिया, मतलब जो भी अंडरलाइन कमोडिटी है जिसका फॉरवर्ड या फ्यूचर किया था उसका हम एक्चुअल डिलीवरी लेते हैं, अब डिलीवरी लिया तो वो तो फिजिकली आपने गुड्स ही ले लिया, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है? जीएसटी लग जाता है। अगर नेट सेटल करते हो तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर आप फिजिकल डिलीवरी ले लेते हो, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है? जीएसटी लग जाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं बताना? तो मेरा ना बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं गुड्स, जिसको हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में। गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स, गुड्स मीन्स अदर देन और बट इंक्लूड्स। तो गुड्स मीन्स तो एकदम सिंपल है, भाई हर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? गुड्स है। लेकिन ध्यान रखना कि मनी और सिक्योरिटी मूवेबल होते हुए भी गुड्स नहीं है। मनी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बट इंक्लूड्स की, यानी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो मूवेबल नहीं है, यानी वो जो मीन्स में फॉल नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम उनको गुड्स माने। यहाँ पे आती है 2 चीजें। पहला है एक्शनेबल क्लेम्स, यानी लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, किसी अनसिक्योर्ड डेट पे आपका राइट, यानी ऐसा कोई क्लेम जिसको कोर्ट में जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो क्लेम आपको नहीं मिलता है, वो होगा नहीं होगा कंटिंजेंट है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग उसकी क्लियर नहीं है। मानो आज मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा,
अब मुझे नहीं पता मेरी लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, इन केस लग गई तो फिर मुझे लॉटरी मिलनी चाहिए, वरना मैं सिविल कोर्ट में जाके इस केस को ट्राई भी कर सकती हूँ। सो अनसिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट तो सिक्योर्ड होता है, हमारे पास उसका सिक्योरिटी है, मॉर्गेज है, कुछ होगा, दैट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। लेकिन कोई अनसिक्योर्ड डेट है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, नहीं मिला तो आई कैन गो एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। तो एक्शनेबल क्लेम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी इसको हम क्या मानते हैं? गुड्स मानते हैं। और दूसरा, दूसरा हो जाता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, या तो कोई भी चीज जो लैंड से अटैच्ड है, एनी थिंग दैट इज अटैच्ड टू लैंड, यानी कोई क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ग्रास है, या कोई भी चीज जो आज लैंड से जुड़ी हुई है, लैंड से जुड़ी हुई है मतलब वो इमूवेबल है, लेकिन हम अग्री कर चुके हैं, हम अग्री कर चुके हैं कि हम इसको सेवर करके सप्लाई करेंगे। मतलब आज अगर मानो मेरे खेत में गेहूं उग रहे हैं, मैंने अग्री कर लिया है कि भाई जब ये वीट उग जाएंगे तब मैं इनको काट के और बेचने वाली हूँ, सेवर करके सप्लाई करने वाली हूँ, तो आज ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स है ना, इनको भी हम क्या मान लेंगे? गुड्स ही मान लेते हैं। दिस इज दी एंटायर डेफिनेशन ऑफ गुड्स। चलो आ जाओ नोट्स में मेरे साथ, फटाफट से जितना भी पढ़ा है एक बार जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। कम टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट क्या है जो टैक्स की लेवी को ट्रिगर करता है, और जीएसटी का तो एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। पर्सन कौन होता है? छोटे बच्चे नहीं हो आप, हम इंटर में डीटी में हर जगह पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि भाई पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, पर्सन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल बॉडी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सबको इंक्लूड कर लेता है, और हम सबको जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन ही मानते हैं। बात करें अगर हम गुड्स की, तो गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, या कोई भी चीज जो आज अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, लेकिन जिसको हमने अग्री कर लिया है कि हम सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सेवर करके और बेचने वाले हैं, तो उसको हम आज क्या मान लेते हैं? गुड्स मान लेते हैं। बोलो डेफिनेशन मेरे साथ याद हुई? आंख बंद करो, कोशिश करो चार्ट को इमेजिन करने की जिसको आपको एग्जाम में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख के आ जाना है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कॉमा बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी कॉमा बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, और एनीथिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज अग्रीड टू बी सेवर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अब मनी क्या होता है? तो इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, हर वो चीज जिसको आरबीआई रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कोई भी करेंसी जो आपने न्यूमिनिस्टिक वैल्यू के लिए होल्ड की है, यानी ओल्ड कॉइन्स, एंटिक कॉइन्स, ऐसा कुछ भी, तो वो मनी नहीं है, मतलब वो गुड्स है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी हो जाता है। सिक्योरिटीज की बात करें तो शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट इन सिक्योरिटी, हर चीज सिक्योरिटी है। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स भी सिक्योरिटी है, इन पे भी जीएसटी नहीं लगता। हावेवर अगर आपने इनको डिलीवरी से सेटल कर लिया, कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी फॉरवर्ड्स का फिजिकल डिलीवरी ले लिया, तो फिर ऐसे केसेस में जीएसटी लेवी हो जाता है। एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें तो वही, क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड डेट, मतलब अनसिक्योर्ड डेट का क्लेम जो क्या है, सिविल कोर्ट्स जिसको रिकॉग्नाइज करती है, जो क्या हो सकता है, कंडीशनल, कंटिंजेंट, अक्रूइंग, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एग्जांपल लिख लो तो लॉटरी हो गया, बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सारी चीजें क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा अमेंडमेंट का पार्ट है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एक्शनेबल क्लेम्स को स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स बोल दिया है, जिनके लिए जीएसटी में अलग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। ये आपको बाई हार्ट लर्न होना चाहिए, रीसेंट अमेंडमेंट है तो डेफिनेटली एग्जाम में टेस्टेबल है। क्या है यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स? तो भाई एक्शनेबल क्लेम तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट है, लॉटरी है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, सबके सब एक्शनेबल क्लेम्स है। लेकिन पर्टिकुलरली 6 एक्शनेबल क्लेम को गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसके रिलेशन में हम सप्लाई के चैप्टर में अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम्स को नोटिफाई कर दिया है कि ये क्या है, स्पेसिफाइड है। कौन कौन से? बेटिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग, ये 3 तो है ही, इनको कैसे याद करना है? तो सबसे पहले लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, ये तीनों तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है ही। इसके अलावा कसिनो, ये भी इन्हीं की जाति का है, तो भाई लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और कसिनो, ये हम याद कर लेंगे। इसके अलावा
हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये सिक्स क्या है, ये सिक्स हमारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कैसीनो हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। वंस अगेन विथ मी, सिक्योरिटी का डिलीवरी आप जो समझ रहे हो दैट इज नॉट डिलीवरी, सी अंडरस्टैंड। अगर आपने शेयर्स ही परचेस किए हैं तो उनपे कोई जीएसटी नहीं लगता। फिजिकल डिलीवरी का क्या मतलब, आपके डीमैट अकाउंट में आया वो डिलीवरी की बात हो रही है? नहीं। मानो आपने गोल्ड का फॉरवर्ड फ्यूचर किया, आपने सोयाबीन का फॉरवर्ड फ्यूचर किया, आपने किसी कमोडिटी का फॉरवर्ड फ्यूचर किया और अल्टीमेटली एक्सपायरी पे आप उसका फिजिकल डिलीवरी ले रहे हो, एक्चुअली जाके सोयाबीन खरीद रही हूँ, एक्चुअली जाके गोल्ड खरीद रही हूँ, तो जीएसटी लगता है। डीमैट अकाउंट में डिलीवरी की बात हम नहीं कर रहे बाबा, वो तो मिलेगा ही ना आपको सर्टिफिकेट। चलो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जल्दी से मेरे साथ लिख के बताएंगे कौन से छह है। ये आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कैसीनो हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कैसीनो हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये छह क्या है, ये छह हमारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। आगे फिर से आएगा, फिर से नहीं करवाऊंगी। आई विल बी अज्यूमिंग कि आपको याद है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये हमारे छह स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। चल, उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की, क्योंकि हमको एक चीज पता चल गई कि कोई भी चीज अगर या तो गुड्स है या तो सर्विस है, अगर गुड्स है या तो सर्विस है तो ही उनपे जीएसटी लगने वाला है। गुड्स क्या होता है हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि सर्विस क्या होता है, क्योंकि अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस किसी में भी फॉल नहीं हुई तो फिर वो जीएसटी के परव्यू से भी बाहर हो जाएगी। जैसे गुड्स की डेफिनेशन लर्न की, वैसे सर्विस की भी करेंगे। तो सर्विस भी क्या हो जाता है, मींस अदर देन और बट इंक्लूड्स, सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, मींस अदर देन और बट इंक्लूड्स। सर्विसेज मींस क्या, मस्त बोला है, एनीथिंग। सर्विसेज मींस एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ सर्विस है, अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि मनी और सिक्योरिटी को गुड्स ने भी लात मार के बाहर निकाल दिया, सर्विस ने भी लात मार के बाहर निकाल दिया। तो मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, यानी इन पे तो अब जीएसटी लगना नहीं है, ये फाइनल है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुड्स की। तो सर्विस का डेफिनेशन ऐसा बोलता है कि अगर कोई चीज पर्टिकुलरली गुड्स की डेफिनेशन में फॉल होती है तो उसको गुड्स मानो। मतलब अगर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्शनेबल क्लेम्स है, ऐसा कुछ भी है जो गुड्स के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है तो पहले आप उसको गुड्स मान लो, उसके अलावा जो भी बच गया वो सब सर्विस हो जाएगा। सर्विस की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग। सर्विस क्या है, एनीथिंग, जो भी गुड्स मनी या सिक्योरिटी नहीं है वो सब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। स्पेसिफिकली बट इंक्लूड्स क्या बोलता है, बट इंक्लूड्स बोलता है कि समझना, मनी तो सर्विस नहीं है लेकिन मनी को एक फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना, यानी मनी को यूज करना जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो वो सर्विस हो जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको 100 रुपए का नोट दूं, आप मुझे सामने 10 रुपए के 10 नोट दे दो, ये कोई सर्विस नहीं है, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगना है। मैं आपको 100 रुपए का नोट दूं, आप मुझे सामने 10 के 9 ही नोट दो और बोलो कि मैम 10 रुपए मेरा कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने आपको डिनोमिनेशन चेंज करके दिया है नोट्स का। तो ऐसे केसेस में आपने मुझसे डिनोमिनेशन चेंज करने का 10 रुपए का कंसिडरेशन ले लिया तो फिर इस पे जीएसटी लग जाता है। हम क्या बोलते हैं कि यूज ऑफ मनी, मनी अपने आप में ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, लेकिन यूज ऑफ मनी जहां पे आप मनी को एक फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हो, जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज करते हो। मानो आज मैं गई, मैंने रुपी देके डॉलर खरीदा और ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए अलग कंसिडरेशन पे किया होगा, जो मेरा फॉरेक्स डीलर है उसने अपना मार्जिन चार्ज किया होगा। तो एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना, एक फॉर्म एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोल देते हैं। सिमिलरली सिक्योरिटी सर्विस नहीं है। आज अगर मैंने एमआरएफ का शेयर खरीदा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो इंटरमीडियरी है, जो हमारा ब्रोकर है, जो हमारा ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवा रहा है,
वो जो अपने ब्रोकिंग चार्जेस लेगा, वो जो अपने कमीशन चार्जेस लेगा, उन पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस. सिक्योरिटी खरीदना बेचना, शेयर खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन कोई उसको फैसिलिटेट करवा के दे रहा है, मतलब कोई आपका एजेंट है, इंटरमीडियरी है, तो फिर उसने जो अपना कट मारा, उसने जो कमीशन चार्ज किया, एजेंसी चार्जेस लिए, उन पे जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज यस. तो भाई सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स है तो गुड्स मानो, मनी और सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, जो बचा वो सब कुछ सर्विस है. लेकिन बट इंक्लूड्स क्या बोला? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जहां पे आप क्या करते हो, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन इनटू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, जिसके लिए क्या हो रहा है, एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्विस बोल देते हैं. सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी. अगर मैं आपको जो समझा रही हूं, कोर टेक्स्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी आप इसको चैट सेक्शन में डालेंगे. आपका पर्सनल कोई डाउट है कि मैम ऑफिस में ऐसा देखा था, ऐसा होता है तो ऐसा होगा क्या, ये सारे डाउट्स आप टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे. बिकॉज द बैच ड्यूरेशन इज 45 आवर्स, तो मैं इंडिविजुअल डाउट्स को इस तरीके से एड्रेस नहीं कर सकती हूँ बैच में. तो कोई बहुत ही स्पेसिफिक डाउट है आपका पर्टिकुलर केस को लेके, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप करोगे. हाँ, हाउएवर कोई ये चीज के मैम गैम्बलिंग क्या होता है, मीनिंग ही नहीं पता, ऐसी कोई बात है, तो वो अभी आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो. अदरवाइज बैच कंप्लीशन में दिक्कत आएगी. आई हैव एवरी टाइम शेड्यूल्ड कि ये हाफ एन आवर में ये कंप्लीट करना है, ये 1 आवर में ये कंप्लीट करना है, तो हमको बिल्कुल बैच टाइम पे खत्म करनी है. ठीक है, चल. तो भाई सर्विसेज मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स, सर्विसेज मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटी. बट इंक्लूड्स कोई भी एक्टिविटी जो रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी है, या तो फिर आप कन्वर्ट कर रहे हो एक फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन को दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है. और सर्विसेज में फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन आ जाएगा. शेयर को खरीदना बेचना इज नॉट सर्विस, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाना बिल्कुल सर्विस माना जाता है. अब हम बात करेंगे रिलेटेड पर्सन की. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. इनफैक्ट जब हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी आपको आइडिया है कि भाई रिलेटेड पर्सन के रिलेशन में अलग से प्रोविजंस है और इन लोगों के लिए अलग से प्रोविजोस है, क्योंकि भाई टैक्स है. तो आपकी पहली कोशिश रहेगी हमेशा कि रिलेटिव के साथ मिलके कोई ना कोई गपला कर ले, रिलेटिव के साथ मिलके कोई ना कोई गपला कर ले, बिल्कुल आपकी ऐसी कोशिश रहेगी. तो ऐसे केसेस में हमको पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है कि रिलेटेड पर्सन कौन है और फिर इनके रिलेशन में क्या अलग प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये हम लोग देख लेंगे. चल, जीएसटी के रिलेटेड पर्सन एकदम सिंपल है. अगर आपने इनकम टैक्स में रिलेटेड पर्सन पढ़ा है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. चाचा, मामा, बुआ, भांजा, भतीजा, सब जीएसटी ने बना दिया है एकदम सिंपल. जीएसटी के रिलेटेड पर्सन है सोफा कोप्स. जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन है? सोफा कोप्स. ये एक न्यूमोनिक बनाया है हमने, एग्जाम में लिख के मत आ जाइयो, ये अपना पर्सनल न्यूमोनिक है जिससे आपका पूरा रिलेटेड पर्सन कवर हो जाता है. सो का मतलब होता है सोल एजेंट. सो का मतलब होता है सोल एजेंट या तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर. अब समझना यहाँ पे सोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आज IDT के लेक्चर्स है, ठीक है, तो आप फास्ट की वेबसाइट से इनको परचेज कर सकते हो, या इसके अलावा भी आपने देखा होगा तो कॉन्फ्रेंसा है, मेक माई डिलीवरी है, सी ए पॉइंट है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है जो एज एजेंट्स काम करते हैं, जो आज एज एजेंट्स क्या करते हैं, मेरे बिहाफ पे लेक्चर्स आपको सेल करते हैं. तो क्या ये सब मेरे रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे? द आंसर इज नो. अगर मेरा कोई सोल एजेंट है, सोल एजेंट मतलब मेरी फैक्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चर होता है सारा मैं एक ही पर्सन के थ्रू सेल करती हूँ, वो आगे पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढता है, या सारा मैं एक ही पर्सन के थ्रू परचेज करती हूँ, वो पोटेंशियल सप्लायर्स ढूंढता है, मतलब ये एक इकलौता है, सोल है, अकेला एजेंट है, अकेला डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो जीएसटी में रिलेटेड पर्सन माना जाएगा. हावेवर एक कंपनी के, एक पर्सन के मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल एजेंट्स सबके सबको रिलेटेड पर्सन मानना यहाँ पे नहीं होता है. तो ध्यान रखना, सिर्फ एजेंट बोला है क्वेश्चन ने, सिर्फ एजेंट बोला तो वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर सोल एजेंट बोला या तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर बोला तो वो जीएसटी में हमारा रिलेटेड पर्सन हो जाता है.
कमिंग बैक टू सोफा कोप्स तो सो क्या बोलता है, सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जीएसटी में क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। फा क्या बोलता है, तो फैमिली। जीएसटी ने फैमिली बना दी एकदम सिंपल। भाई जीएसटी की फैमिली सिंपल सिंपल सी है कि आप और आपका स्पाउस, यानी अगर मेरा हस्बैंड है या हस्बैंड की वाइफ है, ठीक है, यानी आपके अगर स्पाउस है वो आप पे डिपेंडेंट हो, आप पे इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, वो ऑलवेज आपके रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। आपके स्पाउस और आपके बच्चे, आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या वाइफ और आपके चिल्ड्रन, अभी ये सब मत पूछना मैम स्टेप चिल्ड्रन हुए तो, हाँ वो सब इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अगर स्पाउस है या चिल्ड्रन है तो वो ऑलवेज रिलेटेड पर्सन होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद किया, स्पाउस दिया है, चिल्ड्रन दिया है, मतलब वो रिलेटेड पर्सन होंगे होंगे और होंगे ही। लेकिन अगर हम बात करें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर पार्शियल डिपेंडेंट होंगे तो भी चलेगा, अगर ये हमारे ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है तो फिर ऐसे केसेस में ये हमारे रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं, अदरवाइज नहीं माने जाते हैं। चलो मुझे आंसर देना, तीन क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताना तीनों क्वेश्चन में 1, 2, 3 करके ये मेरे रिलेटेड पर्सन होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे हस्बैंड, ठीक है, इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करते, मेरे हस्बैंड जो ऑब्वियसली वेले तो नहीं है, काम धंधा करते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अपने फंड्स खुद मैनेज करते हैं, क्या ये मेरे रिलेटेड पर्सन होंगे, से यस और नो। सेकंड, मेरे अंकल मतलब मेरे पापा के भाई, सगे चाचा का बेटा, यानी कौन हो गया, मेरा कजिन भाई, मेरा फर्स्ट कजिन भाई है, मेरे बिल्कुल सगे चाचा का बेटा है जो कि हमारे साथ ही रहता है और वो कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या ये मेरा रिलेटेड पर्सन होगा, से यस और नो। थर्ड केस ले लेते हैं, मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर जिनके पास बहुत पैसा है, दादाजी खूब पैसा छोड़ के गए हैं दादी जी के लिए, बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है वो, तो क्या वो मेरी रिलेटेड पर्सन होंगी, से यस और नो, से यस और नो। चल, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी होगी तो जीएसटी लगेगा, यस लगेगा सोनम, फिजिकल डिलीवरी होगा अगर तो हमेशा जीएसटी लग जाता है डेरिवेटिव्स के केस में। चल हाँ जी, हस्बैंड, देखो हस्बैंड जैसे मैंने बोला, स्पाउस और चिल्ड्रन आए तो उसके अलावा आगे कुछ सोचना ही नहीं है, स्पाउस और चिल्ड्रन दिखा तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कौनो फर्क ना ही पड़त बाबा, वो हमेशा हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं, मतलब हस्बैंड भले ही बिल्ले नहीं है, इंडिपेंडेंट है, फिर भी मुझसे रिश्ता तोड़ नहीं सकते, वो मेरे रिलेटेड पर्सन ही माने जाएंगे। बात करते हैं कजिन की, क्या कजिन यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, मतलब यहाँ पे हम सगे भाई बहन की बात करते हैं, कजिन वजिन की बात नहीं कर रहे, तो यानी कजिन तो फर्स्ट क्राइटेरिया में ही फॉल नहीं हो रहा है, वो तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इसमें ही नहीं आया, तो फिर वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कजिन तो क्या है, भले ही डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हमेशा नो ही आ जाएगा, वो मेरा रिलेटेड पर्सन कभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इन्हीं में फॉल नहीं हो रहा है, पहले देखो बंदा इसमें फॉल हो रहा है कि नहीं, फिर चेक करो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो कजिन को तो वैसे ही प्राइमा फेसे ही कवर नहीं किया है, तो फिर वो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हमेशा नॉट रिलेटेड ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं दादी की, दादी यानी हाँ ग्रैंड पेरेंट्स में आ गए, वो ग्रैंड पेरेंट्स में आ गए, लेकिन अब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के लिए क्या कंडीशन है, कि वो अगर सिर्फ डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। दादी क्या है, दादी तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एज आई सेड दादाजी खूब पैसा छोड़ के गए हैं, तो दादी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भाई दादी इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे केसेस में वो भी रिलेटेड पर्सन नहीं मानी जाएगी। यही चलो एक केस 4 और ले लो, मेरा छोटा भाई, मेरा सगा छोटा भाई, हम दोनों के मम्मी पापा एक, मतलब हमारा सगा छोटा भाई है, तो भाई ऐसे केसेस में अब ये मेरे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो यस ये रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, ये भी अगर इंडिपेंडेंट होता तो रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ये जो आपके बड़े 49 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये लोग ऐसा एक आधा छोटा पॉइंट डाल देते हैं। आपको स्टिकी नोट लेके बैठना है लेक्चर में, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देती रहूंगी, और कहीं भी आपको लगता है कि एग्जाम्पल नोट करना है तो साथ साथ में स्टिकी नोट पे नोट करते जाना, मैं उसके लिए स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगी कि नोट करो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारी चीजें
पता होगी। राइट, किसके चारों सही हुए जल्दी से बता दो, चारों के चारों क्वेश्चन किसके सही हुए फटाफट से यहाँ पे मुझे बता दो। तो भाई हम बात कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन की। सो बोलता है सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर, पा बोलता है फैमिली, लेकिन फैमिली बहुत ही छोटी प्यारी सिंपल सी फैमिली है कि स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड होंगे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट हुए तो ही रिलेटेड होंगे वरना रिलेटेड नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ भी दे दे, मासी अरे कितनी भी क्लोज है, मम्मी का मासी बिना चलता नहीं है, फिर भी क्या मासी रिलेटेड होगी, द आंसर इज नो। बुआ रिलेटेड होगी, द आंसर इज नो। चल उसके बाद बात करते हैं कोप्स की। सोफा के बाद हम बात करते हैं कोप्स की। अरे वाह वेरी गुड, इतने सारे जनों के सारे सही हुए, ग्रेट। चल फिर हम बात करते हैं कोप्स की। तो सी बोलता है कंट्रोल। सी क्या बोलता है कि भाई अगर आपके बीच में कंट्रोल का रिलेशनशिप है तो भी आप रिलेटेड पर्सन। कंट्रोल मतलब अब देखो जैसे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास राइट है कि बी के सारे डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकता है, मतलब वर्चुअली पूरा का पूरा बी कौन कंट्रोल कर रहा है, ए। मानो ए के पास बी के 90% शेयर्स है, यानी ए के पास क्या है, बी का कंट्रोल है। तो फिर ऐसे केसेस में कंट्रोल का कभी भी अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना देना है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना देना है, मतलब मानो ए बी को कंट्रोल करता है, ए सी को भी कंट्रोल करता है, तो ऐसे केस में ए बी ए सी तो रिलेटेड है ही, लेकिन इस केस में बी और सी भी रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। मतलब कोई दो एंटिटी जिनको सेम पर्सन कंट्रोल करता है, कोई दो एंटिटी जिनको एक सेम पर्सन कंट्रोल करता है, जिनको हम प्यार से सिस्टर कंसर्न्स भी बोल देते हैं, तो ऐसे केसेस में ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपने आप में रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल तो है ही, उसके अलावा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, और ट्राइंगल क्यों ड्रॉ करेंगे कि भाई कोई सेम पर्सन है जो दो लोगों को कंट्रोल करता है, तो ये जो दो सेम पर्सन से कंट्रोल हो रहे हैं, टू एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय सेम पर्सन, ये भी क्या हो जाती है, रिलेटेड पर्सन हो जाती है। ओ आप एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हो। उसके बाद पी लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हो, मतलब एबीसी फर्म है जिसमें ए बी और सी तीन पार्टनर है, तो वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। ई बोलेंगे तो सीधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो भी आप रिलेटेड पर्सन हो। एंड लास्ट इज एस। एस क्या बोलता है, तो शेयर्स, यानी अगर ए बी में 25% और मोर शेयर्स होल्ड करता है, मानो ए बी में 30% शेयर्स होल्ड करता है, तो क्या ये रिलेटेड है, यस। ए सी में 45% शेयर्स होल्ड करता है, क्या ये रिलेटेड है, यस। और ऐसे केस में बी और सी भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, मतलब एक कॉमन पर्सन इंक्लूडिंग अ थर्ड पर्सन होल्डिंग इन बोथ ऑफ देम, मतलब एक थर्ड पर्सन जो दोनों में 25% और मोर के शेयर्स होल्ड करता है, तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, आपस में, यानी इधर भी जैसा कंट्रोल का ट्रायंगल है वैसा शेयर्स में भी एक ट्रायंगल बन जाएगा कि 25% और मोर शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो आप तो रिलेटेड हो ही, लेकिन जो दो लोग हैं जिसमें कोई कॉमन पर्सन 25% और मोर शेयर होल्ड कर रहा है, तो वो भी क्या होता है, रिलेटेड पर्सन हो जाता है। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करके बताएंगे कि जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन है। एक एक वर्ड में फुल फॉर्म लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड में फुल फॉर्म लिख दो जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन। तो सोफा कोप्स। सो का मतलब सोल एजेंट, सो का मतलब सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड सोल है, अगर बहुत सारे एजेंट है तो रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। फा का मतलब फैमिली, जीएसटी का फैमिली छोटू प्यारू क्यूट सा एकदम, कि स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड होंगे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट हुए तो रिलेटेड वरना नॉट रिलेटेड। सी क्या बोलता है कि कंट्रोल का रिलेशनशिप है। ओ बोलता है एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर हो या तो डायरेक्टर हो। पी बोलता है लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हो। ई बोलता है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। और लास्ट एस क्या बोलता है, तो शेयर्स जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, यानी एग्जैक्ट 25% शेयर्स होल्ड करते हो तो भी आप रिलेटेड पर्सन बन जाते हो। तो शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25%। और यहाँ पे हमेशा ट्राइंगल ध्यान रखना, मतलब एक पर्सन है जो दो में होल्ड करता है, तो जो दो है वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। वेरी गुड। चलो एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होती है, जो आप इनकम टैक्स एक्ट में समझते हो, इनकम टैक्स एक्ट में आप ट्रांसफर प्राइसिंग में एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन समझते हो, वही सेम यहाँ भी अप्लाई होता है। हाउएवर जीएसटी पर्पस के लिए लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, क्वेश्चन आपको हिंट दे ही दे देगा कि ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। बात अगर हम करें बिजनेस की, तो बिजनेस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मतलब आपकी वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी ये कुछ भी मैटर नहीं करती है। मानो पूरे साल में
मेरी एक शूज की शॉप है, मेरी एक शूज की शॉप है और पूरे साल में मैं सिर्फ 4 pair of shoes ही बेच पाई हूँ, पूरा लॉस चल रहा है, पूरा लॉस चल रहा है। 9 महीने तो बंद था ऑफिस, 3 महीने खुला था जिसमें भी सिर्फ 4 pair जूते बेचे, तो क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? द आंसर इज येस। द इंटेंशन ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द आउटकम ऑफ बिजनेस। यानी आप रेगुलर हो नहीं हो, कंटिन्यूटी रखते हो, वॉल्यूम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नथिंग इज अ प्री रिक्विजिट। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन कर रहे हो, भले ही आपको नुकसान हो रहा है, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, फिर भी ये क्या होता है, फिर भी ये बिजनेस ही माना जाता है। और ऐसे केस में इस बिजनेस के रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हो ना, तो वो भी बिजनेस हो जाता है। एक एग्जाम्पल समझो, मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, मैं एक क्लोथ मर्चेंट हूं, तो मेरा बिजनेस क्या है, क्लोथ्स बेचना। अभी क्लोथ्स रखने के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मैंने वो जो बॉक्स बॉक्स वाली रैक्स आती है वो रैक्स खरीदी जिसमें मैं सारे कपड़े अरेंज करके रखती हूँ। अब अचानक से एक दिन मन उठ गया कि अरे यार ये रैक्स अच्छी नहीं लग रही, इन सबको हटाओ और इसकी जगह पे मैं मस्त नई स्टेनलेस स्टील की रैक्स बनवाऊंगी। तो जो पुराना फर्नीचर था वो मैंने बेच दिया, जो मेरा पुराना फर्नीचर था वो मैंने बेच दिया। टेल मी, मेरा बिजनेस क्या है, कपड़े बेचना। ये जो मैंने पुराना फर्नीचर बेचा, क्या ये मेरा जीएसटी के हिसाब से पार्ट ऑफ बिजनेस माना जाएगा क्या? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है? नाना नानी इंक्लूडेड नहीं होते, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब सिर्फ दादा दादी से है यहां पे, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर। चल एक बात बताओ, जब मेरा बिजनेस कपड़े बेचने का है और मेरा पुराना फर्नीचर पड़ा था जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड था और वो मैंने बेच दिया, तो क्या ये भी मेरा बिजनेस होगा क्या? Will this be considered as a part of my business? जो भी no बोल रहे हैं बच्चा, गलत है। The answer is yes, ये भी आपका business होगा, भले ही आपका regular course of business नहीं है पर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, supply और acquisition of any goods including capital goods or service जो in connection of the business है। आप business शुरू कर रहे हो, business बंद कर रहे हो, in connection of business आप कोई activity कर लेते हो, भले ही उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ चीज अगर इंसिडेंटल है, अब ये फर्नीचर खरीदना बेचना मेरे बिजनेस के इंसिडेंटल था, मेन नहीं था, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, बिजनेस मान लेते हैं। इसी पर्पस से, इसी रीजन से जब आप अपने बिजनेस के कैपिटल गुड्स सेल करते हो ना, तो उन पे भी जीएसटी लग जाता है, उनको हम पर्सनल पर्पस नहीं मानते। डू यू रिमेंबर शेड्यूल 1 का पॉइंट 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी अवेल्ड। तो क्यों लिया हमने ये बिजनेस असेट? क्योंकि बिजनेस के कनेक्शन में कोई भी एंसिलरी एक्टिविटी करना, बिजनेस शुरू करना है, बंद करने के रिलेशन में कोई भी कैपिटल गुड सेल परचेस करना, सारी की सारी चीज क्या हो जाती है, बिजनेस ही हो जाती है। उसके अलावा क्लब्स है, एसोसिएशन है जो मेंबर्स से फीस लेते हैं, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मानो कोई प्रेमाइस है जहां पे आपको एंट्री लेनी है, जू है, ठीक है, जू है और आपको जू में एंट्री लेने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, तो वो भी क्या है, जू वालों के लिए बिजनेस है। तो किसी जगह पे आपको एडमिशन देना चाहते हैं, वो एडमिशन के लिए पैसा लेते हैं, वो भी बिजनेस है। कहीं पे आप कोई पोस्ट होल्ड करते हो जिसके लिए पैसा लेते हो, तो सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, हॉर्स रेस क्लब है, गवर्नमेंट कोई भी एज पब्लिक अथॉरिटी काम करती है, तो सारी की सारी चीजें क्या मान ली जाती है, बिजनेस ही मान ली जाती है। यानी बिजनेस तो कर ही रहे हो और बिजनेस के रिलेशन में कोई एंसिलरी चीज भी प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर बिजनेस ओनली। भाई मेरा बिजनेस वॉच बेचना है, लेकिन किसी की वॉच खराब हो जाए, वो आता है वॉच लेके, तो मैं उसको रिपेयर भी कर देती हूँ, मेन बिजनेस तो नहीं है, कनेक्टेड टू बिजनेस तो है, एंसिलरी टू बिजनेस तो है, तो वो भी हमारा बिजनेस ही मान लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लायर की, एकदम सिंपल, सप्लायर का क्या मीनिंग है? तो भाई जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा वो सप्लायर हो जाएगा, है मैम, यही डेफिनेशन है, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड सर्विसेज और बोथ। सप्लायर कौन? तो सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स सर्विसेज और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स। यानी जो पर्सन गुड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, सप्लायर बोल देंगे। और सप्लायर में कोई एजेंट है जो सप्लायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। चाहे सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, चाहे रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ध्यान रखना
दोनों के एजेंट्स भी उनके डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी ये एक पर्सन है जो किसी एजेंट के थ्रू कोई गुड्स सेल कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सप्लाई के रिलेशन में तो ये एजेंट भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लायर ही मान लिया जाएगा। तो सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, उनके बिहाफ पे कोई एक्ट करता हो तो उसको भी हम डीम्ड सप्लायर डीम्ड रेसिपिएंट रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं। तो सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड सर्विसेज और बोथ शैल मीन द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज एंड शैल इंक्लूड एनी एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। पहले इतनी ही चार लाइन की डेफिनेशन थी जिसको अब इतना बड़ा कर दिया है। ये पूरी की पूरी क्या है, सप्लायर की डेफिनेशन है। क्या ऐड किया है, लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, देखो, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस और अरेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। जल्दी जल्दी बताना, तो ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या थे, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या थे। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो क्या बोला इन्होंने कि कोई पर्सन जो ऑर्गेनाइज कर दे या अरेंज कर दे किसी भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ऑनलाइन मनी गेमिंग्स को भी इसमें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग को ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म कोई पर्सन ओन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, जहां से ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे केस में ये जो डीम्ड प्लेटफॉर्म होगा ना, इसी को हम क्या मान लेंगे, सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम्स मान लेंगे। वेदर सच एक्शनेबल क्लेम्स मनी, मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट के लिए सप्लाई किया जा रहा है। क्या बोला इन्होंने, वेदर कंसिडरेशन इज मनी, मनीज वर्थ और वर्चुअल डिजिटल असेट फॉर सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम पेड और कन्वेड थ्रू हिम प्लेस्ड एट अ डिस्प्ले इन एनी मैनर। अब देखो ये एनी मैनर का क्या मतलब हुआ, आप उसको चाहे गेम बोलो, इवेंट बोलो, चांस बोलो, स्किल बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। किसी भी मैनर में ये चीजें सप्लाई की जा रही है। अब भाई कोई बोल सकता है कि रमी क्या है, रमी एक गेम ऑफ स्किल है, कोई बोल सकता है कि गेम ऑफ चांस है। इन्होंने बोला भाई जो मानना है मानो, हम तो सब कुछ इधर कवर कर रहे हैं, आपको जो मानना है मानो, हम तो सब कुछ इधर कर रहे हैं। तो ये लोग सिंपल सी ऐसी बात बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, कोई पर्सन जिस प्लेटफॉर्म को ओन करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, जहां से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें जो कंसिडरेशन है वो या तो मनी, मतलब प्योर मनी के टर्म्स में कंसिडरेशन हो सकता है, या मनी इज वर्थ हो सकता है। मनी इज वर्थ मतलब मानो जो जीतेगा उसको कुकर मिलेगा, जीतेगा उसको मिक्सर मिलेगा, मनी नहीं मिला, मनी के वर्थ जैसी कोई और चीज भी मिल सकती है, या तो वीडीए। व्हाट इज वीडीए, वर्चुअल डिजिटल असेट्स। वीडीए क्या होता है, तो वो सेम डेफिनेशन जो आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली मतलब डीटी पढ़ रखा है या पढ़ोगे, तो उसमें वीडीए नाम का पूरा एक चैप्टर ही आता है आपको, क्रिप्टो करेंसी या ऐसा कुछ है बेसिकली। तो ये सारी चीजें भी अगर कंसिडरेशन के तौर पर दी जाती है तो हम इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो पर्सन इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है उसी को डीम्ड सप्लायर मान लेते हैं, और उसी के ऊपर सारी लायबिलिटीज आ जाती है जीएसटी के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए। तो सप्लायर की डेफिनेशन में इन्होंने एडिशन पॉइंट करके क्या बोला, सप्लायर की डेफिनेशन में इन्होंने एडिशन पॉइंट डाल के क्या बोल दिया कि भाई देखो जो नॉर्मल गुड्स सर्विसेज सप्लाई करता है वो तो सप्लायर है ही, उसके अलावा अगर कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइज या अरेंज कर दे, डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, कैसे भी करे, अगर कोई प्लेटफॉर्म है जिसको वो ओन, ऑपरेट या मैनेज कर रहा है, जहां पे सप्लायर क्या है, वो एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लायर है, और वो एक्शनेबल क्लेम्स या तो वो खुद सप्लाई कर रहा है, उसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिडरेशन अगर तुमको मनी, मनी की वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट में मिल रहा है, जिस तुम एक्शनेबल क्लेम सप्लाई कर रहे हो, जिसके सामने मनी, मनी इज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट मिल रहा है, वर्चुअल डिजिटल असेट या क्रिप्टो इज द वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इस केस में आप सप्लायर मान लिए जाओगे, एज इफ आप ही उन एक्शनेबल क्लेम्स के सप्लायर हो और आप ही लायबल होगे सारे के सारे जीएसटी कंप्लायंसेस को करने के लिए। समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतना कुछ टेस्टेबल नहीं है।
राइट चलो हम अगर बात करें हमारी उस डायग्राम की जिससे हमने लेक्चर को शुरू किया था, जहां पे हमने बोला था कि भाई निखिल है जिसने दिवांशी को चॉकलेट सप्लाई किया है। एक बात बताओ, निखिल कौन? निखिल सप्लायर है। क्यों निखिल सप्लायर है? क्योंकि उसने दिवांशी को चॉकलेट सप्लाई किया है। क्या चॉकलेट गुड्स है क्या? हाँ, गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। चॉकलेट तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चॉकलेट तो क्या है? चॉकलेट हमारे लिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये गुड्स बन गई। तो क्या मैं बोलू, एक सप्लायर ने, निखिल इज अ सप्लायर, एक सप्लायर ने गुड्स को सप्लाई किया किसको? रेसिपिएंट को। अब मुझे कैसे पता कि दिवांशी रेसिपिएंट है? कि रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या होती है? हाउ डू आई डिसाइड हियर कि दिवांशी ही रेसिपिएंट है? रेसिपिएंट की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर किसी केस में कंसिडरेशन पेएबल है तो जो पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, जो पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन है वो रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। अगर कहीं कंसिडरेशन पेएबल है ही नहीं, डीम्ड सप्लाईज भी होती है जहां पे कंसिडरेशन पे करना ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में अगर कंसिडरेशन पेएबल ही नहीं है तो जो भी मजे ले रहा है वो रेसिपिएंट बन जाएगा। मतलब जिसको भी गुड्स डिलीवर कर दिए या सर्विस रेंडर कर दी, अल्टीमेटली जो उसके मजे लेगा वो रेसिपिएंट हो जाएगा। एंड एज ऑलरेडी मेंशन, चाहे सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, दोनों की डेफिनेशन में उनके एजेंट तो इंक्लूड हो ही जाते हैं। राइट, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देना। जैसे कि मैं और सचिन गए क्रोमा, मतलब मैं तो पर्सनली गई थी, सचिन मेरे को मिल गया क्रोमा। मैंने कहा अरे हाय सचिन, सचिन बोला हाय मैम क्या करने आए हो? मैंने बोला लैपटॉप लेने आई हूँ। सचिन ने बोला मुझे बहुत स्पेसिफिकेशन सब पता है, चलो मैं आपको बढ़िया लैपटॉप पसंद करवाता हूँ। चलो तो हम लोग क्रोमा गए, मुझे लैपटॉप लेना था मेरे बिजनेस के लिए, लेक्चर्स वगैरह लेने के लिए। ठीक है, लैपटॉप खरीद लिया। जैसे ही हम बिलिंग काउंटर पे गए, आई रिमेम्बर्ड कि अरे मेरा वॉलेट कार्ड फोन सब कुछ घर पे रह गया है, मैंने बोला अरे यार लैपटॉप ले लिया, चलो फिर वापस आके पेमेंट करती हूँ। सचिन ने बोला क्या मैम, बस क्या मैम, मैं कर देता हूँ ना पेमेंट, आप बाद में मेरे को दे देना। मैंने बोला ऐसा? सचिन बोला हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सचिन ने क्या किया, सचिन ने मेरे बिहाफ पे कर दिया। अब इस ट्रांजेक्शन में सप्लायर तो क्रोमा है, एकदम सिंपल सी बात है, लैपटॉप गुड्स है, यानी क्रोमा ने गुड्स का सप्लाई किया। मुझे बताओ रेसिपिएंट कौन, रिद्धि रेसिपिएंट होगी या सचिन रेसिपिएंट होगा, बताओ। यस सचिन, द क्वेश्चन टू योर आंसर इज यस। चलो एक बात बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में रिद्धि रेसिपिएंट हुई या सचिन रेसिपिएंट हुआ? मुझे जल्दी जल्दी से सबका आंसर चाहिए। हर स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहा है वो आंसर देगा। और तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे वीडियो को? जितने बच्चे लाइव है उसके आधे भी लाइक्स नहीं है। चलो लाइक करो जल्दी जल्दी से वीडियो को। हाँ जी, यहां पे द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्सन लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्सन लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। बताओ लैपटॉप खरीदने के लिए लाइबल कौन था, मैं या सचिन? हु वॉज लाइबल? लैपटॉप किसने खरीदा? मैंने। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर होगा? मेरी। किसका बिजनेस एसेट है? मेरा। तो लायबल कौन था इसका कंसिडरेशन पे करने के लिए? मैं। सचिन ने तो जस्ट मेरे बिहाफ पे कर दिया है एक बार के लिए, मैं उसको वापस देने वाली हूं, तो क्या वो रेसिपिएंट बन जाएगा क्या? द आंसर इज नो। वेरी गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज पर्सन लायबल। हु वॉज ओरिजिनली लायबल? रिद्धि। अरे यार ये तो कितनी बार होता है ना कि हम अपने बिहाफ पे किसी को बोल देते हैं कि चलो कर दो पे, हमारे बिहाफ पे कोई पे कर देता है तो वो रेसिपिएंट नहीं बन जाता है। भाई मानो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बाहर जाना था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, मानो यहाँ पे जितिन है, जितिन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे बाहर घूमने जाना था। शी सेड कि मुझे 5 बजे यहाँ से पिक कर लेना। जितिन ने बोला डन। अभी जैसे ही घर से निकला उसको पता चला कि अरे यार एक बहुत अर्जेंट काम आ गया, मम्मी ने तो कुछ सामान मंगवा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। जितिन ने अपने दोस्त को बोला, मतलब ऐसा डेट पे नहीं, ये लोग ऐसा सब घूमने जा रहे थे दोस्त वोस्त एक साथ, तो जितिन ने अपने दोस्त को बोला कि अरे यार तू वहीं से आ रहा है उसको पिक करता आएगा क्या, उसने बोला हाँ चल मैं कर लूंगा, तू काम निपटा क्या। तो जस्ट बिकॉज जतिन के फ्रेंड ने जतिन की गर्लफ्रेंड को पिकअप किया, तो क्या वो जतिन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या? द आंसर इज नो। अरे यार गर्लफ्रेंड तो उसकी ही रहेगी ना। पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन कौन था? मैं थी। कौन था? मैं थी। तुम थी? अरे मैं थी। पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन तो मैं ही थी ना, जस्ट बिकॉज मेरे बिहाफ पे सचिन ने पे कर दिया वो रेसिपिएंट बनेगा? द आंसर इज नो। हमेशा ध्यान रखना, जहां कंसिडरेशन पेएबल नहीं है
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रोमा फ्री में लैपटॉप बांट रहा है, मैं मजे लूंगी लैपटॉप के, मैं रेसिपिएंट बन गई, कोई मेरा एजेंट है जो मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो रेसिपिएंट बन जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन पेएबल है तो ओरिजिनली किसी ने भी बिहाफ पे कर दिया हो डजंट मैटर, लेकिन पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन कौन था, पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन कौन था, मैं, तो मैं रेसिपिएंट बन जाऊंगी। तो थ्रू आउट जीएसटी ध्यान रखना, हम जब भी ऐसा रेफरेंस देते हैं कि किसी को सप्लाई किया गया है तो हम मानते हैं कि रेसिपिएंट को सप्लाई किया गया है, और इस डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ जाएंगे कि रेसिपिएंट कौन होता है। ए तुम लोग उल्टी उल्टी बातें मत करो। चलो, एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मेड शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस मेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। डन। अब हमारे डायग्राम में एक लास्ट चीज हमको समझनी है। तो यहाँ पता चल गया कि भाई सिंपल क्लियर बात है, दिवांशी ने चॉकलेट खरीदी और दिवांशी ही लायबल टू पे द कंसिडरेशन थी, मतलब दिवांशी ही रेसिपिएंट बन गई। अब मुझे बताओ कि कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है, भाई सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए रेसिपिएंट को, जिसके लिए रेसिपिएंट सामने कंसिडरेशन देने वाला है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। एकदम ही एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। ए तुम क्या उल्टी उल्टी बातें करते हो। चलो, कंसिडरेशन का मतलब एकदम सिंपल है, कंसिडरेशन सिर्फ मनी टर्म्स में होता है, द आंसर इज नो। मनी, मनी की वर्थ कुछ भी हो सकती है। मानो के जैसे हम बार्टर ट्रांजैक्शन समझते हैं पुराने जमाने वाला, वीट के एक्सचेंज में राइस, वीट के एक्सचेंज में क्लोथ्स, ऑल ऑफ दैट। तो क्लोथ्स मुझे मिले तो वो भी मेरे लिए कंसिडरेशन ही है। तो जरूरी नहीं है कि पेमेंट हमेशा मनी टर्म्स में हो, अदरवाइज टर्म्स में भी हो सकता है। आप बार्टर या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, तो बार्टर में आपको जो मिला वो भी आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। तो पेमेंट चाहे मनी में हो या अदरवाइज टर्म्स में हो, इट इज ऑल कंसिडरेशन ओनली, राइट। कुछ करने या कुछ ना करने का पैसा मिलना वो भी कंसिडरेशन है। मॉनेटरी वैल्यू फॉर एक्ट और फोरबियरेंस फॉर सप्लाई, भाई क्या शानदार जीएसटी पढ़ाया, क्या शानदार जीएसटी पढ़ाया मैंने। तो ऐसे केसेस में मान वासु क्लियर हो गया एग्जाम, वासु का मेरे को कॉल आया, हाय मैम सीए वासु स्पीकिंग। मैंने कहा अरे वाह बधाई हो, क्या प्लान है आगे। वासु ने बोला बस मैम जीएसटी पढ़ाएंगे। मैंने कहा अरे जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। वासु ने बोला अरे मैम आपने इतना मस्त आईडीटी पढ़ाया ना, मेरे को तो सब क्लियर है, एकदम मजा आ गया, तो मैं तो अभी जीएसटी का आईडीटी का कोचिंग शुरू करने वाला हूँ। मैंने कहा क्या यार बस क्या वासु, अरे मैम मैं तो करूंगा। मैंने कहा एक काम कर 20 लाख रख, चल मजे कर लाइफ में, 20 लाख रुपीज रख मेरी तरफ से, लेकिन जीएसटी पढ़ाना शुरू मत करना। तो यहाँ पे वास्तु ने मुझसे पैसे लिए क्यों, कोई चीज ना करने के लिए। फोरबियर कर रहा है वो अपने आप को कि चलो चलो ठीक है मैम नहीं पढ़ाऊंगा आईडीटी। तो ये चीज भी कंसिडरेशन होती है, द आंसर इज येस। तो मनी देना, मनी की वर्थ में कुछ देना, या तो फिर कोई एक्ट करने या ना करने का पैसा देना, इट इज ऑल कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन ओनली। और यहाँ पे फिर से समझो, कंसिडरेशन रेसिपिएंट भी दे सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कंसिडरेशन रिद्धि को देना था जो कि अल्टीमेट रेसिपिएंट थी, लेकिन उसने सचिन से दिलवा दिया अपने बिहाफ पे। तो भाई ऐसे केसेस में कोई बात नहीं, वो पैसा तो कंसिडरेशन माना ही जाएगा। वो पैसा चाहे रेसिपिएंट दे, रेसिपिएंट अपने बिहाफ पे किसी और से दिलवा दे, इन सबको हम कंसिडरेशन मान ही लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी है, लोकल अथॉरिटी की नहीं, लोकल अथॉरिटी की सब्सिडी कंसिडरेशन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दिया है तो उसको कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानना है। चलो, अगर निखिल आप जो बोल रहे हो ना, फिर ऐसे केस में वो गिफ्ट हो जाएगा, वो गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, अंडरस्टैंड जो आपका क्वेश्चन है। चलो, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिली है तो वो कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन उसके अलावा आपको कोई और सब्सिडी मिली, कहीं से पैसा मिला, कुछ भी हुआ, इट इज ऑल कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन ओनली। क्या आप में से कोई मुझे एडवांस और डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस समझा सकता है क्या? मैम पावर बैच है, आप इतना आराम आराम से क्यों जा रहे हो? मुझे टाइम पता है, आप लोग चिंता मत करो। सो द स्टूडेंट सेइंग कि मैम स्पीड अप करो, डू नॉट वरी, आई हैव कैलकुलेटेड माय टाइम, मुझे पता है मुझे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बहुत फास्ट जाऊंगी तो आपका बेस नहीं बन पाएगा। आपने कितने साल पहले जीएसटी पढ़ा है मुझे आइडिया नहीं है,
कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत रिसेंट में पढ़ा हो तो उनको लग रहा हो कि स्पीड स्लो है, आई हैव टू कंसिडर मेजोरिटी स्टूडेंट्स, सारी चीजें कवर करेंगे एंड फर्स्ट एक दो लेक्चर्स हम स्लो ही जाएंगे, देन वी विल पिकअप पेस। चलो कोई मुझे एडवांस और डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस बताए। वेरी गुड मैम, एडवांस जो होता है वो आगे जाके सप्लाई के सामने एडजस्ट हो जाता है, डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। मानो आज एक पीजी है जिस पीजी में मैं रहने गई, उन्होंने बोला मंथली रेंट इज 10,000 लेकिन आपको 3 महीने का डिपॉजिट देना है। मैंने 30,000 का डिपॉजिट दिया, इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं 3 महीने रेंट नहीं दूंगी, रेंट तो मुझे देते ही जाना है, डिपॉजिट तो सेफ्टी साइड उनके पास पड़ा रहेगा कि जब मैं घर खाली करके जाऊंगी तब ये मुझे रिफंड कर दिया जाएगा। हो सकता है मैंने घर में कुछ डैमेज कर दिया तो उसके सामने एडजस्ट हो जाए, किसी महीने का रेंट ना दूं उसके सामने एडजस्ट हो जाए, इसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। एडवांस दिया होता तो फिर मैं अगले महीने देती ही नहीं रेंट, में बोलती ना एडवांस दिया है उसके सामने एडजस्ट कर लो। तो ध्यान रखना डिपॉजिट इज रिफंडेबल वेर एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट दी सप्लाई। तो ऐसे केसेस में जब मैंने डिपॉजिट दिया तब क्या उसको कंसिडरेशन मानू? दी आंसर इज नो, डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता है। जब डिपॉजिट पेमेंट के सामने कभी अगर एडजस्ट हो जाए तब उसको कंसिडरेशन माना जाता है। मानो कि इस पीजी के लिए आज मैंने 30,000 का डिपॉजिट दिया, इट इज नॉट कंसिडरेशन। लेकिन फिर मैं 3-4 महीने बाद मानो थोड़ी बिजी थी और रेंट देना भूल गई, 1 महीने का रेंट देना भूल गई, तो इन्होंने इस डिपॉजिट में से 10,000 यूज कर लिए रेंट के सामने एडजस्ट करने के लिए, तब मैं बोलूंगी कि हाँ अब पेमेंट हुआ है और अब आप इसको कंसिडरेशन मानो। तो समझना एडवांस और डिपॉजिट अलग चीज है, एडवांस कंसिडरेशन होता है, डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता है। डिपॉजिट को हम जब सप्लाई के सामने एडजस्ट करते हैं, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर कंसिडरेशन, जब उस सप्लाई के लिए वो अप्लाई हो जाता है तब जाके उसको कंसिडरेशन मानेंगे, वरना प्योर डिपॉजिट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। से येस और नो, आर वी क्लियर? आर वी एंटायरली क्लियर विद द डेफिनेशन? तो अब क्या इस डायग्राम का एक एक वर्ड आपको समझ में आता है? जब मैं बोलूं कि एक सप्लायर गुड्स या सर्विसेस का सप्लाई करता है रेसिपियंट को, तो रेसिपियंट बदले में उसको कंसिडरेशन देता है, यही एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है अंडर GST। तो आपको क्या पता है कि सप्लायर कौन? जो पर्सन सप्लाई करेगा वो सप्लायर। रेसिपियंट कौन? कंसिडरेशन पेएबल है तो पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेएबल नहीं है तो जो मजे ले रहा है, और एजेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जो भी अटैच टू लैंड है लेकिन सेवर करके अलग करके बेचेंगे। सर्विस मीन्स एनीथिंग, सॉरी सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स है तो छोड़ दो, मनी है सिक्योरिटी है तो छोड़ दो, बट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, एक फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना कंसिडरेशन के लिए हो जाएगा सर्विस। सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है। कंसिडरेशन क्या है? मनी, मनी का वर्थ पे करना, रेसिपियंट पे करे किसी और से पे करवाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं आएगा, और डिपॉजिट जब एक्चुअली अप्लाई होगा तब आएगा। समझ में आया कि दो मिनट में सारी की सारी डेफिनेशन जितनी अभी तक पढ़ाई थी सब कुछ हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, कि मैं जो भी आपको 3-3.5 घंटे में पढ़ाऊंगी, लेक्चर खत्म होने के बाद 1 आवर आपको देना है, शांति से बैठ के सारी चीजें पढ़नी है, रिवाइज करनी है, और उसके बाद एक और 1.5 आवर जितना देके और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। तो फिर 15th डे पे जब पावर बैच खत्म होगा ना, तब आप बोलोगे कि मैम IDT हमारा रैंक लाएगा, IDT हमारा एग्रीगेट बनाएगा। डन है? चलो ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? जब भी मैं बोलूं डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या आवाज आएगी? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। डिस्टिंक्ट पर्सन बोलूं तो आप क्या सामने चिल्लाओगे? सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है नहीं, इतनी सी बात है कि सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, वरना नहीं है। चाहे वो सेम स्टेट में हो, वो अलग स्टेट में हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो डिस्टिंक्ट पर्सन, दो एग्जांपल दूंगी, मुझे जल्दी से बताना कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेशन बता दी आपको, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। चलो एग्जांपल नंबर 1,
मेरी ही दूसरी ब्रांच, मतलब मेरे ही पैन में मैंने दूसरी ब्रांच खोली है। एक ब्रांच मेरी अहमदाबाद में है और दूसरी ब्रांच मेरी मुंबई में है। क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, से यस और नो? क्वेश्चन नंबर टू, एक ब्रांच मेरी अहमदाबाद में है, दूसरी ब्रांच मेरी सूरत में है। फॉर पीपल हु डोंट नो, अहमदाबाद गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और सूरत भी गुजरात में है। चल, तो एक ब्रांच मुंबई में है, एक अहमदाबाद में है, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? एक ब्रांच अहमदाबाद में है, एक ब्रांच सूरत में है, और क्योंकि दोनों सेम ही स्टेट में है तो मैंने इनको अलग अलग रजिस्टर नहीं करवाया है, एक ही रजिस्ट्रेशन में है, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? एंड थ्री अगेन, एक ब्रांच अहमदाबाद में है, एक ब्रांच सूरत में है, लेकिन मेरे को बहुत मजा आ रहा था, मेरे को एकदम चुल मच रही थी, तो मैंने इन दोनों को सेपरेटली रजिस्टर करवा लिया। भले ही सेम स्टेट में थे, जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने वॉलेंटरीली सेपरेटली रजिस्टर करवा लिया। 1 2 3 लिख के फटाफट से बता दो, 1 2 3 लिख के बता दो, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे या नहीं होंगे? मैम आपने दो कंडीशन बताई, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, आपने दो कंडीशन बताई, सेम पैन और सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो भाई पैन तो सेम है तीनों ही केसेस में, क्योंकि तीनों केसेस में आई एम सेइंग कि मेरी ही ब्रांचेस है, तो सेम पैन कंडीशन तो सब में टिक हो गई, वो ओके है। अब हमको चेक क्या करना है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब दो स्टेट में है, दो अलग अलग स्टेट में है, मतलब दो स्टेट में तो मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता ही है, तो ये बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। सेकेंड केस में अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात में है, यानी एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है, मुझे दो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है और मैंने लिए भी नहीं है, तो ऐसे केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। थर्ड केस में भले ही हम सेम स्टेट में हैं, फिर भी हमने वॉलेंटरी सेपरेटली रजिस्ट्रेशन ले लिया है, मतलब हम क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। वेरी गुड, एज आई कैन सी सबने सही जवाब ही दिया है। तो भाई सिंपल है, डिस्टिंक्ट पर्सन की एक लाइन की डेफिनेशन है सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, चाहे सेम स्टेट में हो चाहे अलग स्टेट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अलग स्टेट में होंगे तो फिर हम समझते हैं कि ऑटोमेटिक ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिएगा ही, सेम स्टेट में फिर आपको देख लेना है, सेम स्टेट में हम देख लेंगे कि अगर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे, सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखो डिस्टिंक्ट पर्सन में दोनों लेग पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेस, एक एस्टैब्लिशमेंट, तो मैं बोलूं कि एक लेग पे कुछ भी रजिस्टर्ड है, मेरा एक प्रिमाइस है जो रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में दूसरे लेग पे हो सकता है रजिस्टर्ड प्रिमाइस हो अनरजिस्टर्ड प्रिमाइस हो, वो सब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ही माने जाते हैं। मेरा एक रेस्टोरेंट जो कि सूरत में है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन मुझे पता है कि अल्कोहल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने गोवा में लिकर शॉप खोल ली जो कि अनरजिस्टर्ड है, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? हाँ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में रजिस्ट्रेशन होने की कंडीशन नहीं है, इट मे नॉट बी नेसेसरीली रजिस्टर्ड। एक लेग पे रजिस्ट्रेशन है तो दूसरे लेग पे दूसरा एस्टैब्लिशमेंट कहीं पे भी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसको हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेते हैं। चलो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स लेके जाना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लिया जाता है। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से फिजिकली गुड्स इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके इंडिया के बाहर चले जाते हैं, इनको हम एक्सपोर्ट बोल देते हैं। मोर डिटेल्स व्हेन वी मूव टू द रिस्पेक्टिव चैप्टर। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, देखो गुड्स आप देख सकते हो फिजिकली, सर्विसेज आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज एक एहसास है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज एक एहसास है जो आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम बोलेंगे अगर सप्लायर इंडिया में है, ऑब्वियस सी बात है रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है। इस डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी आउटसाइड इंडिया है, ऐसे केस को हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया से इंडिया के बाहर कुछ भेजना तो एक्सपोर्ट होता है, तो सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपोर्ट। इतना ही है, नहीं, दो कंडीशन और है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। फोर्थ कंडीशन बोलता है कि जो पेमेंट है ना वो कन्वर्टेबल फॉरेक्स करेंसी में मिलना चाहिए, कहीं पे अगर आरबीआई INR परमिट करती है तो अलग बात है,
बाकी अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो फॉरेक्स में पैसा मिलना चाहिए, ऐसा क्यों रखा है और गुड्स में ऐसा क्यों नहीं रखा है? तो समझो, ये इंडिया है, ठीक है। अगर मैं कोई गुड्स की बात करूं तो आई कैन फिजिकली सी कि जो गुड्स है वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, सर्विस आई कैन नॉट सी। आज अगर मैं गवर्नमेंट को बोल दूं, मैं बोलूं कि जापान में मेरा एक क्लाइंट है और उसके साथ मैंने सेटिंग भी कर लिया है, मैं गवर्नमेंट को बोलूं कि मैंने उसको आर्किटेक्ट सर्विस दिया, मैंने उसको इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस दिया, मैंने उसको कंसल्टेशन सर्विस दिया, हाउ कैन वी चेक इट एक्चुअली फिजिकली चेक करने का? अब मैं बोलूं मैंने उसको कोई एडवाइस दिया, गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा ना, गवर्नमेंट उसको जाके कैसे कंफर्म करेगा कि एडवाइस दिया कि नहीं दिया? तो सर्विस एक्चुअली हुई है कि नहीं हुई है, चेक करने का कोई वे आउट ही नहीं है। और लोग झूठ क्यों बोलेंगे मैम? क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे हमको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो पर्सन एक्सपोर्ट करता है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट के रिफंड्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो हो सकता है ना कि लोग झूठ बोलने लग जाए कि हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया, तो चेक कैसे करेंगे? भाई तुमने सर्विस किया तो लाओ कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में पैसा ला के दो, सिंपल सी बात। तो भाई सर्विस अगर एक्सपोर्ट करते हो तो कंडीशन है जब तक उसका पैसा नहीं आता कन्वर्टेबल फॉरेक्स में ही आना चाहिए। कुछ केसेस में INR RBI परमिट कर सकती है, वो अलग बात है, बाकी कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा आया हमने मान लिया कि तुमने सर्विस दिया। एंड लास्ट इज कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों मेयर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी ही एक ब्रांच अब्रॉड में है, मेरी ही एक ब्रांच दुबई में है और मैं बोलूं कि मैंने उनको क्या किया है सर्विस दिया है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर हम तो कुछ भी ट्रांजेक्शन सेटल कर सकते हैं। इसके रिलेशन में क्लेरिफिकेशन भी है जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंडर GST के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक लाइन, इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स लेके जाना, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो फिर 5 कंडीशन देखनी पड़ेगी। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सी 5 कंडीशन। सप्लायर होना चाहिए इंडिया में, छोटा छोटा सा लिखोगे चलेगा, सप्लायर होना चाहिए इंडिया में, रेसिपिएंट होना चाहिए इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए इंडिया के बाहर, पैसा मिलना चाहिए कन्वर्टेबल फॉरेक्स में, RBI परमिट करती है तो INR चलेगा, एंड लास्ट आप दोनों ही मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो तो फिर हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या बोलता है तो देखो, इफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर पेड इन INR फ्रॉम स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ करस्पॉन्डिंग बैंक ऑफ पार्टनर ट्रेडिंग, तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे जैसे कि कंडीशन 4 कंप्लाई हो चुका है। SFM में ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट पढ़ा है क्या? SFM में आप लोगों ने नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा है क्या? फॉरेक्स में, फॉरेक्स चैप्टर में आपको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट आता होगा, वहां पे पढ़ना अच्छे से, डिटेल नहीं बता रही, जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। अब क्या होगा समझो, मानो ये रशिया है और ये इंडिया है, ठीक है, रशिया है और इंडिया है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मानो हमारे जो नॉर्मल सारे फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं डॉलर्स में होते हैं, या रशिया के साथ हम रशियन करेंसी में डील नहीं करना चाहते, मान लो उनकी करेंसी बहुत अनस्टेबल है, एज ऑफ नाउ ट्रेड प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप INR और रशियन करेंसी में, रशियन रूबल्स में ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमारा तो ट्रेड रुक जाएगा, हम कैसे करेंगे? ऐसे केस में क्या होता है, एक इंडियन बैंक रशियन बैंक के यहाँ अकाउंट खोलती है, एक रशियन बैंक इंडियन बैंक के यहाँ अकाउंट खोलती है, हमारा अकाउंट उनके पास, उनका अकाउंट हमारे पास, दैट इज सिंपली नोन एज नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ से जब एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से जब एक्सपोर्ट होता है तो जो पर्सन है ना वो अपने रशियन रूबल्स में इधर पैसा डिपॉजिट कर देता है। हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ कर रहे होंगे, हमने इम्पोर्ट किया, हमको पेमेंट करना है तो हम बैंक को देंगे एंड वो यहाँ के इनके वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है एंड अल्टीमेटली ट्रांजैक्शंस स्क्वायर ऑफ होते जाते हैं। तो ऐसे केसेस में वॉस्ट्रो अकाउंट से हमको यहाँ पे रशियन रूबल्स नहीं मिलते, हमको यहाँ पे INR ही मिलता है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू अगर आपको INR मिला है, आपकी जो ऑथोराइज डीलर बैंक है, जो ऑथोराइज डीलर बैंक है, जो करस्पॉन्डेंट बैंक है, जो वहां अकाउंट खोलती है, वहां की बैंक हमारी बैंक के पास अकाउंट खोलती है, तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे कि कोई बात नहीं, अगर वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू INR मिलता है तो वो परमिट हो जाता है। हर जगह पे हमको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कन्वर्टेबल फॉरेक्स चाहिए, हर जगह पे हमको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कन्वर्टेबल फॉरेक्स चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे INR परमिटेड है, या तो RBI स्पेसिफिकली आपको अलाउ कर दे, या तो फिर हम क्या बोलते हैं कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स INR में, वो वॉस्ट्रो के, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के स्पेशल रुपए अकाउंट से हमको INR मिल रहा है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी पार्टनर मतलब जो ऑथोराइज डीलर बैंक है उसका वहां पे अकाउंट है, वहां से कन्वर्टेबल फॉरेक्स डिपॉजिट हुआ, बट वॉस्टर अकाउंट के थ्रू हमको यहाँ पे INR मिलता है, उधर के लोगों को उधर रशियन रूबल्स मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे केसेस में हम मान लेंगे कि भाई, लेकिन ध्यान रखना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और RBI के सर्कुलर्स को रिस्पेक्ट करना है, सब कुछ ओके है, विद इन लाइंस है, तो ऐसे INR मिला हुआ भी चल जाता है। बाकी हर केस में आपको कन्वर्टेबल फॉरेक्स लाना पड़ेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, तो इसका हम लोग एक ध्यान रखेंगे, MCQ शायद कुछ एक आध मार्क का आ जाए। डन। ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है? तो कोई भी गेम जो आप इंटरनेट पे प्रोवाइड कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से खेली जाती है, वो ऑनलाइन गेमिंग हो जाती है। ऑनलाइन मनी गेमिंग भी ऑनलाइन गेमिंग का ही एक पार्ट है। ऑनलाइन गेमिंग के रिलेशन में इस बार कई सारे अमेंडमेंट्स है, बिकॉज हमको पता है डेल्टा कॉर्प को जैसा डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था, उसके रिलेशन में इन्होंने इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। इनकी कोशिश यही है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरा GST में ले आए, उस पर बहुत सारा GST लगाए। जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में केस एक बार समझाऊंगी भी कि डेल्टा कॉर्प का केस क्या है, दिक्कत क्या हो रही है, कैसे नोटिस इशू किया है, वो सही है गलत है क्या है। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग क्या? सिंपल, जो आप ऑनलाइन खेलते हो वो ऑनलाइन गेम हो जाता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है? वो भी ऑनलाइन गेमिंग का ही एक पार्ट है। इट ऑल्सो मीन्स ऑनलाइन गेमिंग, जहां पे जो प्लेयर है ना वो मनी, मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट डिपॉजिट करता है। क्यों? उस लालच में कि उसने जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा उसको मनी, मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट मिलेगा। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट द प्लेयर पेज और डिपॉजिट्स मनी, मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट इन एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी? कि उसको फिर से मिलेगा, उसने जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा मिलेगा क्या? तो मनी, मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट। कोई भी इवेंट हो सकता है, आप उसको चाहे गेम बोलो, स्कीम बोलो, कॉम्पिटिशन बोलो, एक्टिविटी बोलो, प्रोसेस बोलो, कुछ भी बोलो, जिसका आउटकम परफॉर्मेंस बेस्ड हो, लक बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको ऑनलाइन मनी गेमिंग ही मानते हैं। और वो परमिसिबल हो या नॉट परमिसिबल हो, कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऐसा कोई गेम खेल रहे हो जहां पे आप एज अ प्लेयर मनी, मनीज वर्थ, वर्चुअल डिजिटल एसेट डिपॉजिट कर रहे हो। क्यों? ताकि आपको सामने जितना आपने डिपॉजिट किया उससे ज्यादा मनी, मनीज वर्थ, वर्चुअल डिजिटल एसेट मिले, ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी। फिर चाहे आप उसको गेम ऑफ स्किल बोलो, गेम ऑफ चांस बोलो, गेम ऑफ थ्रोन्स बोलो, जो बोलना है बोलो, वो परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल कंसिडर्ड एज ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके रिलेशन में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट, सो हियर वी कंप्लीट द एंटायर इंपॉर्टेंट टर्म्स। पता चला क्या? लेक्चर शुरू हुए, हम 14 पेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम 14 पेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल हमारी 400 पेजेस की हैंड रिटन नोट्स है, जो हमको 15 दिन में खत्म करनी है। तो बताओ रोज हमको कितने पेजेस पढ़ने होंगे GST के साथ मैथमेटिक्स फ्री? बताओ, चलो रे, जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है ना तो बोलना नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोगों को फटाफट से कमेंट सेक्शन में दिल दिल आगा बॉम बॉम इमोजी डाल ही देने हैं। अप्रोक्सीमेटली हम रोज के लेक्चर में 25 टू 30 पेजेस पढ़ेंगे, जिनको लेक्चर के बाद रिवाइज करने में आपको एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी बताओ, इसमें से कोई भी पेज पढ़ने के लिए 2 मिनट से ज्यादा चाहिए क्या? मस्त डिटेल में सब कुछ रिवाइज करवाया ना। इनिशियल 3 लेक्चर्स हम काफी स्लो जाएंगे, एक बार हम 190 पेजेस को रीच कर जाएं, उसके बाद हम रोज के 50-50 पेज करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम एकदम स्लो जाएंगे एंड उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड कस्टम्स के बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो रेलेवेंट नहीं है, ये 400 पेजेस में FTP भी इंक्लूड हो गया है, जो हमको पावर बैच में नहीं करना है। तो आराम से हम रोज के 25 पेजेस करके अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, आप लोग स्पीड की चिंता नहीं करेंगे। चल, Say yes or no everyone. कल्याण, मैं सारे questions नहीं करवा रही ना क्लास में। Everything going great? एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो ऑन अ स्मॉल ब्रेक एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई अंडर GST। क्या टाइम हो रहा है? इट इज 8:49, 9:05 को हम लोग रिज्यूम करेंगे। 15 से 20 मिनट का ब्रेक आपको रोज दूंगी, 9:05 को हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो जल्दी जल्दी से ब्रेक पे जाओ, चाय, कॉफी, दूध, नाश्ता जो करना है करके आओ, एंड देन वी स्टार्ट विथ सप्लाई अंडर GST।
चलो एवरीवन, लेट्स रिज्यूम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलो इट्स 9:05 डिसाइड किया था हमने। आ जाओ जल्दी जल्दी, स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। फटाफट से बता दो, लेक्चर के शुरुआत में आपने मुझसे तीन वादे किए थे कि मोबाइल टच नहीं करोगे, वॉज वन ऑफ देम, तो नहीं किया है ना ब्रेक में मोबाइल टच? नाश्ता करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए ब्रेक दिया था। यस, चलो सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई अंडर जीएसटी। अच्छे से ध्यान इधर सबका, ठीक है? अब हम कोर जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी फुल्ली अटेंटिव। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मैं ना बोलूं कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट सी जीएसटी एक्ट ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि SGST एक्ट तो वैसे भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, सिलेबस में है नहीं, कितने सारे स्टेट्स है सबका थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो अगर मैं ना बोलूं कि मैं सेक्शन आपको कौन से एक्ट का पढ़ा रही हूं, तो हम ऑटोमेटिकली CGST एक्ट ही पढ़ रहे हैं। IGST एक्ट के कुछ चुनिंदा सेक्शंस हैं जो हमको पढ़ने हैं, तो अगर कहीं पे भी IGST एक्ट का रेफरेंस आएगा, कहीं पे भी अगर IGST एक्ट का रेफरेंस आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा हमेशा क्या रहेगा, CGST एक्ट ही रहेगा। मैम सेक्शन नंबर्स लर्न करने हैं क्या? देखो आंसर इज नहीं। एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाई सेक्शन नंबर लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हमारे 5-6 लेक्चर्स खत्म होंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेक्शन नंबर लर्न करना इज सो मच बेनिफिशियल कि आप आंख बंद करके पूरा जीएसटी का फ्लो आपकी आंखों के सामने इमेजिन कर सकते हो। सेक्शन नंबर लर्न करने से कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, रिविजन बहुत जल्दी होगा, चीजें लिंक्ड रहेगी, और यहां वहां पे जब सेक्शन के रेफरेंसेस आते रहते हैं, कहीं पे लिखा होगा रिटर्न अंडर सेक्शन 37, कहीं पे लिखा होगा सप्लाई अंडर सेक्शन 7, तो आपको बार बार आके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो सेक्शन कौन सा है, याद होगा तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे डालिए प्लीज, आफ्टर लेक्चर मैं एक्टिव रहूंगी हाफ एन आवर चैनल पे, और जो भी डाउट्स रहते हैं सेशन के वो तभी तुरंत से सॉल्व हो जाएंगे। चलो तो यहाँ पे सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप लोग करो। इसके लिए मैं आपको न्यूमोनिक्स टेक्निक्स भी बताऊंगी कि मेरे साथ साथ आपको सेक्शन नंबर्स लर्न हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CGST एक्ट। CGST एक्ट 2017, S for 7, S for supply। S for 7, S for supply, तो जो सबसे पहला, अरे वाह, पढ़ाने के पहले ये होते हैं बच्चे, पढ़ाने के पहले ही लिख के बता दो मैम, हमको तो पहले से याद है सेक्शन नंबर S for 7, S for supply, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमको पता है सप्लाई होगा तो जीएसटी आएगा, सप्लाई ही तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, जहां सप्लाई नहीं वहां पे जीएसटी की बात हो ही नहीं सकती है। तो शुरू करेंगे हम CGST एक्ट S से 7, S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, जहां पे हमको पढ़ना है 7.1 सप्लाई इंक्लूड्स। 7.1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, तो 7.2 ने बोला सप्लाई एक्सक्लूड्स। 7.1 ने बोला सप्लाई में क्या क्या आएगा, 7.2 ने बोला सप्लाई में क्या क्या नहीं आएगा। देन 7.3, तो अभी ही पढ़ा देती हूँ, एक लाइन का सेक्शन है। 7.3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है, कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजैक्शंस को कि इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो सर्विस मत मानो, या इनको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो गुड्स मत मानो। तो गवर्नमेंट, आज मानो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोल ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर दिया ये पावर यूज करके कि भाई आज से हम टीचिंग को गुड्स मानेंगे, आज से हम टीचिंग को सर्विस मानेंगे, आज से हम रेस्टोरेंट को सर्विस मानते हैं। तो भाई गवर्नमेंट के पास क्या है सेक्शन 7.3 में, ये पावर है कि गवर्नमेंट आके किसी भी ट्रांजेक्शन को ये सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विस नहीं, या सप्लाई ऑफ सर्विस है गुड्स नहीं, ऐसा बोल सकती है, खत्म। लो सेक्शन 7.3 तो यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 7.1A। 7.1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, 7.1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, तो फिर 7.1A में हम एक शेड्यूल 2 का लिस्ट पढ़ते हैं जो हमको सिर्फ इतना बताएगा कि चलो सप्लाई तो हो गया, वो तो फिर वो गुड्स का सप्लाई है या वो सर्विस का सप्लाई है, उसको हम गुड्स का सप्लाई माने या सर्विस का सप्लाई माने, ये हमको सेक्शन 7.1A से पता चलेगा। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
वंस अगेन एवरी वन विथ मी, आउटलाइन समझो चैप्टर का, फिर हम उसके अंदर जाते हैं. S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. 7-1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, 7-1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, तुरंत से 7-2 आया, अरे रुको रुको सप्लाई एक्सक्लूड्स, 1 ने बोला इंक्लूड्स, तो अब इंक्लूड तो करेंगे एज गुड्स करे, एज सर्विस करे, तो उसके लिए आ जाएगा 7-2A, जिसमें हम शेड्यूल 2 का लिस्ट देख लेते हैं कि क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज है. एंड देन लास्ट इज सेक्शन 7-3, जो बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है टू नोटिफाई सर्टन ट्रांजेक्शंस एज गुड्स नॉट सर्विस और सर्विस नॉट गुड्स. चल अब एक एक करके हम अंदर जाते हैं सेक्शंस के. बात करते हैं 7-1 सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या आएगा सप्लाई में, क्योंकि अगर कुछ सप्लाई बना तो ही उस पर जीएसटी लगेगा. चलो मेरे दो क्वेश्चन के आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 1, क्या हर सप्लाई पे जीएसटी लगता है, क्या हर वो चीज जो सप्लाई है उस पर जीएसटी लगेगा क्या? और क्वेश्चन नंबर 2, हर चीज जिस पे जीएसटी लगी क्या वो ऑटोमेटिकली सप्लाई होगा क्या? दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए मुझे. क्वेश्चन नंबर 1, हर सप्लाई होने पे जीएसटी लग जाता है क्या? और क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी चीज पे जीएसटी लगा मतलब क्या हर जीएसटी लगने वाली चीज ऑटोमेटिकली सप्लाई होती है क्या? बताओ जल्दी से येस और नो. तो मैम क्वेश्चन 1 का तो आंसर है नो, लेकिन क्वेश्चन 2 का आंसर है येस. जीएसटी लगने के लिए प्री रिक्विजिट है सप्लाई, सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगेगा, डजंट मीन सप्लाई है मतलब जीएसटी लग ही जाएगा. तो समझो अभी मैं आपको सिर्फ 7-1 सप्लाई इंक्लूड समझा रही हूँ कि क्या चीज सप्लाई है. पॉसिबल है कि ये चीज सप्लाई है लेकिन फिर भी इसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है. तो पॉसिबल है कि कोई चीज सप्लाई है लेकिन फिर भी उस पर जीएसटी ना लगे. तो ये मत समझना कि सेक्शन 7-1 में जो भी आ रहा है सब पे जीएसटी लग जाएगा, नहीं, सेक्शन 1 में जो भी आ रहा है वो सब कुछ सप्लाई है, मतलब हो सकता है उस पर जीएसटी लगे. कुछ 7-1 में आ नहीं रहा तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, वही बात खत्म हो गई. पर 7-1 में आया मतलब अभी उसने आपको भाई बना दिया, उसने आपको भाई बना दिया मतलब आप तो स्कोप से ही बाहर हो गए, अब आपका कोई चांस ही नहीं है. भाई बन गए आप 7-1 में आए ही नहीं, बात खत्म. लेकिन उसने आपको फ्रेंड बनाया, अब फ्रेंड बनाया मतलब जरूरी तो नहीं है कि आगे भी आपका लफड़ा होगा, फ्रेंड बनाया आप 7-1 में आए, अब पॉसिबिलिटी है कि आगे आपका चांस है. जरूरी नहीं है कि हर फ्रेंड के साथ लफड़ा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. तो 7-1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो चीज सप्लाई इंक्लूड्स में सब पे जीएसटी लग जाएगा, तो सब पे जीएसटी नहीं लगता है. चलो अब सप्लाई इंक्लूड्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. सबसे पहला फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से नहीं समझाऊंगी. तो जब कंसिडरेशन है या फिर जब कंसिडरेशन नहीं है, फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन. एक गोल्डन रूल ध्यान में रखना, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, हमेशा हर नॉर्मल केस में कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई होगा. सिर्फ यहाँ पे शेड्यूल 1 के 4 पैराज है, विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल 1 के 4 पैरा है जो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई हो सकते हैं. इन चार चीजों के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिना कंसिडरेशन के हो रहा है तो वो सप्लाई नहीं होगा. क्या समझ में आया? गोल्डन रूल बोलता है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा. लेकिन शेड्यूल 1 के 4 पैरा है, शेड्यूल 1 के 4 पैरा है जो बिना कंसिडरेशन के भी क्या होते हैं, सप्लाई माने जाते हैं. तो एक बार के लिए इनको रखते हैं साइड में, हम जनरल रूल समझते हैं जो हमेशा बोलता है कि कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 7-1A. 7-1A ने क्या बोला? All forms of supply. Supply किसका होना चाहिए? तो goods, services या तो both का. All forms of supply of goods, services और both. अब forms of supply क्या हो सकते हैं बताओ? चलो power batch में है, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो. Forms of supply क्या हो सकते हैं? Sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, हर चीज जो आप सोच सकते हो सब कुछ supply है. सप्लाई कोई छोटा टर्म नहीं है जहां पे सिर्फ सेल इंक्लूड होता है, सप्लाई एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. और सप्लाई में हम सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल सब कुछ सप्लाई ही मानते हैं. तो आप गुड्स या सर्विसेज के साथ इनमें से कुछ भी कर लो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. प्री कंडीशन चल रही है कि हाँ कंसिडरेशन है, प्री कंडीशन चल रही है कि भाई जो भी कर रहे हैं कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं. तो कंसिडरेशन के लिए आपने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल कुछ भी किया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ किया.
मेड और अग्रीड टू बी मेड बाई अ पर्सन, मेड और अग्रीड टू बी मेड बाई अ पर्सन. अब बताओ पर्सन का मतलब क्या? पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल होता है? द आंसर इज नो. पर्सन का मतलब तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, सब कुछ आ जाएगा. तो भाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, बार्टर, लीज, डिस्पोजल अग्रीमेंट, मेड और अग्रीड टू बी मेड बाई अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसको हम सप्लाई बोल देते हैं. क्यों? पहले आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाया था, समझो. अब आपको पता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, आपको पता है सप्लाई क्या होता है, गुड सर्विसेज क्या होता है, पर्सन कौन होता है और बिजनेस क्या होता है, सारे के सारे डेफिनेशंस आपको पता है. अब आपके लिए ये प्योर इंग्लिश रीडिंग है. हर वर्ड का मतलब पता है तो एक सेंटेंस का मीनिंग तो हम लोग ऑब्वियसली समझ ही सकते हैं. तो 7-1-A जहाँ पे 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन यहीं पे फॉल हो जाते हैं कि भाई नॉर्मली हम बिजनेस पर्पज से क्या करते हैं, कोई चीज का सप्लाई करते हैं, सामने कंसिडरेशन ले लेते हैं और वो GST में सप्लाई बन जाता है. दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट से बता देना. मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने अपनी इयररिंग्स बेच दी. देखो पेनी भी नहीं है. मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने क्या किया, अपनी पुरानी इयररिंग्स बेच दी, अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच दी. क्या ये सप्लाई होगा? क्या सारे पैरामीटर्स चेक करना. बेची है, मानो मेरी गोल्ड इयररिंग्स थी जो मैंने 15,000 में सेल कर दी. छोटी छोटी सी गोल्ड इयररिंग्स थी, 15,000 में सेल कर दी. कंसिडरेशन तो है, इयररिंग्स गुड्स है क्या? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल किया है, सप्लाई हुआ है, मेड अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन है. सारी कंडीशंस चेक करके बताना, मैंने अपनी पुरानी इयररिंग्स बेची, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्या? क्वेश्चन नंबर टू, मानो भाई मेरा एक क्लोथ शॉप है, मेरा एक क्लोथ शॉप है और शॉप में फर्नीचर पड़ा था, वो फर्नीचर मैंने बेचा मान लो 5,000 रुपए में, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्या? वेरी गुड मैम, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर तो नो है क्योंकि सारे पैरामीटर्स टिक नहीं हो रहे. कंसिडरेशन है, यस. सप्लाई है, यस. गुड सर्विस है, यस. आप पर्सन हो, सामने वाला पर्सन है, यस. लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इयररिंग्स मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बेची है, वो ना तो मेरा बिजनेस असेट है ना मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. इसीलिए हम 7-1-A के हिसाब से तो इसको सप्लाई नहीं मान सकते हैं. तो बस कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको सारे पैरामीटर्स चेक कर लेने हैं. कंसिडरेशन है क्या? नहीं है तो फिर बात यही खत्म. कंसिडरेशन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे आके पैरा वन, चार पैरा ऑफ शेड्यूल वन को चेक करेंगे. गोल्डन रूल तो बोलता है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई. कंसिडरेशन है तो फिर आगे देखो, गुड सर्विसेज है क्या, उसका सप्लाई हुआ, पर्सन ने किया और इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया, यस, तो हम उसको सप्लाई मान लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडरेशन है, हाँ. फर्नीचर सेल किया, सेल करना सप्लाई होता है, यस. फर्नीचर गुड्स है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी किया है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे सप्लाई हो चुका है. तो भाई सेक्शन 7-1 सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7-1 सप्लाई इंक्लूड्स जहां पे हम पढ़ रहे हैं विथ कंसिडरेशन वाला पार्ट. विथ कंसिडरेशन में सबसे पहले सेक्शन 7-1-A ने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसका, गुड सर्विसेज या तो बोथ का. इसमें क्या क्या आ जाएगा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ आ जाता है. मेड अग्रीड टू बी मेड बाई अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको हम बोल देते हैं सप्लाई अंडर GST. फिर आता है सेक्शन 7-1-B. 7-1-B ने क्या बोला, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस. हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे गुड्स लिख के काट देना. चलो नोट्स में क्या करोगे, नोट्स में सप्लाई खोल लो फटाफट से. नोट्स में सप्लाई खोल लो फटाफट से. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, 7-1 सप्लाई इंक्लूड्स, फॉर अ कंसिडरेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है. मेड अग्री टू बी मेड बाय पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में पहले फटाफट से गुड लिख के क्या करो, काट दो. क्यों मैम? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कैसे डील होता है, कस्टम्स एक्ट के हिसाब से डील होता है. जब गुड्स इम्पोर्ट होते हैं तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी लगती है और कस्टम्स ड्यूटी के साथ ही हम GST पे कर देते हैं, वो सारी अलग चीज है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम्स के हिसाब से डील होता है, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे. 7-1-B में हम बात कर रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की. अगर कंसिडरेशन के लिए आपने कोई सर्विस इम्पोर्ट किया है तो वो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, हमेशा सप्लाई माना जाएगा. इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस,
सर्विस, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस आप क्या करते हो, बिजनेस पर्पस के लिए करते हो या पर्सनल पर्पस के लिए करते हो, अगर कंसिडरेशन दिया सर्विस इम्पोर्ट किया तो वो ऑलवेज सप्लाई हो जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जीएसटी लगेगा क्या, वो अलग बात है। मैं कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस इम्पोर्ट करती हूँ, उस पर जीएसटी लगेगा, वो आगे जाके देखेंगे क्या वो सप्लाई है। हाँ वो सप्लाई है, अब हो सकता है उसको गवर्नमेंट ने कहीं आगे जाके एग्जेम्प्ट कर दिया हो। एंड लास्ट इज सेक्शन 71AA जो बोलता है कि कंसिडरेशन के लिए अगर एक पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, अब इंडिविजुअल कौन नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, क्लब्स हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकते हैं, तो ये लोग जो इंडिविजुअल नहीं है, अगर अपने ही खुद के मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें सामने इनको कैश या डेफर्ड पेमेंट कुछ तो कंसिडरेशन मिल रहा है, तो ये भी सप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, कोई क्लब है जिस क्लब का आप मेंबर बनना चाहते हो और क्लब का मेंबर बनने के लिए आप मेंबरशिप फीस पे करते हो, क्यों, क्योंकि सामने क्लब आपको स्विमिंग पूल, जिम वगैरह एडिशनल फैसिलिटीज दे रहा है। तो ऐसे केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ही ने तो मिलकर क्लब बनाया है, हम ही क्लब है, क्लब ही हम है, ऐसा नहीं है। आप अलग हो, क्लब अलग है। गवर्नमेंट सिंपली बोलता है कि भाई कोई पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, मतलब किसी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके बना है और मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसको कंसिडरेशन देते हैं, सामने ये कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करके देते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये पर्सन और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो अलग लोग हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा और इन दोनों के बीच में भी सप्लाई हुआ है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। से यस और नो, ये खत्म होता है हमारा विथ कंसिडरेशन वाला पार्ट। अभी हम छोटू छोटू से बच्चे नहीं है कि आपको समझाना पड़े सेल क्या होता है, भाई पूरा टाइटल ट्रांसफर कर देना सेल होता है। मेरे पास पेन था, आप आए 20 रुपए दिए, पेन मुझसे खरीद लिया, अब पेन आपका हो गया, अब उस पेन के साथ आप लिखो, तोड़ो, पेन फाइट करो, किसी को गिफ्ट कर दो, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर दी ओनर ऑफ दी पेन, मतलब मैंने आपको पेन सेल कर दिया। ट्रांसफर क्या होता है, आपने बोला मैम वो पेन नहीं, ये पेन चाहिए, आपके आईपैड वाला पेन चाहिए, लिख के देखना है, मैंने कहा ठीक है ले लो एक आध घंटे के लिए यूज करके फिर से दे देना। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ पोजेशन दिया है, कंट्रोल दिया है, ओनर आज भी इस पेन की मैं ही हूं, तो वो सेल हुआ क्या, नहीं, वो ट्रांसफर हो गया। बार्टर और एक्सचेंज में क्या फर्क है, बार्टर मतलब गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस, मनी कहीं पे इन्वॉल्वड ही नहीं है। एक डॉक्टर था जो बार्बर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ, तुम मेरे बाल काट दो, किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, ये क्या हो गया, बार्टर। लेकिन एक्सचेंज में कहीं ना कहीं पे मनी इन्वॉल्व होता है, भाई डॉक्टर ने बोला कि मेरी वन टाइम कंसल्टेंसी फीस 1500 रुपए है और तुम बाल काटने के सिर्फ 400 ही लेते हो, तो कैसे बार्टर हो जाएगा, एक काम करो तुम मेरे बाल काट दो, मैं तुमको कंसल्टेंसी दे देता हूँ, लेकिन तुमको मुझे साथ में 900 रुपीज भी देने पड़ेंगे, डिस्काउंट देता हूँ तुमको, तुम क्या करना मेरे बाल काट दो और 900 रुपीज दे देना और मैं क्या कर लूंगा, तुम्हारा कंसल्टेशन कर लूंगा। तो ये प्योर सेल है नहीं, प्योर बार्टर है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। तो गुड सर्विसेज प्लस मनी के बदले गुड सर्विसेज या गुड सर्विसेज प्लस मनी को एक्सचेंज करना, मतलब इट इज नॉट प्योर बार्टर, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे एक नई गाड़ी खरीदी और सामने हमने पुरानी गाड़ी और थोड़े पैसे और दे दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोल देते हैं। लाइसेंस सिंपली किसी भी अथॉरिटी से कोई भी काम करने की परमिशन लेना, परमिशन के लिए पैसा देना, वो क्या हो जाता है, लाइसेंस मान लिया जाता है। और ये सभी क्या है, ये सभी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है, ये मतलब बिल्कुल इंटर सीए के बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी बुक में था तो एक बार कवर करवा दिया। चल हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 71 सप्लाई इंक्लूड्स, बुक बंद, रफ पेज आंख के सामने और मेरे साथ स्क्रिबल करेंगे, मेरे साथ सबको पेन लेके, अब स्क्रीन मत देखना अनलेस के कुछ भूल जाओ, फटाफट से रफ पेज लो, पेन लो और मेरे साथ साथ स्क्रिबल करो। सेक्शन 71 सप्लाई इंक्लूड्स, जहां पे पहले हम बात करेंगे फॉर कंसिडरेशन, स्क्रिबल का मतलब अच्छे से लिखना नहीं होता है, खाली CON लिख दोगे कंसिडरेशन हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा लिखो ताकि दिमाग में रहे। 71 सप्लाई इंक्लूड्स, पहले बात करेंगे फॉर अ कंसिडरेशन। 71A ने क्या बोला, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसका, गुड सर्विसेज बोथ का। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में क्या आता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ही है, जो कि मेड अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन होनी चाहिए, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ऐसे लिखना है। हाँ, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्क्रिबलिंग। चलो फिर हम बात करेंगे 71B की। 71B ने क्या बोला, इंपोर्ट, किसका इंपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सर्विस का इंपोर्ट, गुड्स का नहीं, सर्विस का इंपोर्ट जो हमने क्या किया है, कंसिडरेशन के लिए किया है,
सर्विस का इंपोर्ट जो हमने कंसिडरेशन के लिए किया है, फिर वो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, हमेशा हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट सेक्शन 7(1)(a) जहां पे कोई पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने खुद के ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट को कोई एक्टिविटी करके देता है जिसके सामने कंसिडरेशन ले लेता है, तो मेंबर अलग है पर्सन अलग है, और इसको भी हम क्या मानते हैं, सप्लाई मान लेते हैं। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो गया। इज इट पॉसिबल कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो सकता है? यस। तो सेक्शन 7(1)(c) ने बोला, सेक्शन 7(1)(c) ने बोला कि शेड्यूल 1 के चार पैरा है। सेक्शन 7(1)(c) ने क्या बोला, शेड्यूल 1 के चार पैरा है, अगर उन चार पैरा में से आप कहीं पे भी फॉल हो जाते हो तो वो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये चार चीजें। इन चार चीजों के अलावा कुछ भी और अगर बिना कंसिडरेशन के हुआ है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। चलो कौन सी है ये चार चीजें जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी? सबसे पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट जिसपे आपने ITC अवेल किया हो। तीन कंडीशन मेरे साथ, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट जिसपे आपने ITC अवेल किया हो, इसको अगर आप बिना कंसिडरेशन के भी कर लेते हो तो भी ये GST में डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल भी बोल सकते हो, सो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस असेट का जिसपे हमने ITC अवेल कर रखा हो। तो चलो, मेरा कंप्यूटर क्या है, मेरा बिजनेस असेट है, मैं GST में रजिस्टर्ड हूं। जब मैंने कंप्यूटर खरीदा था तब मैंने इस पे ITC भी लिया था। अब क्या हुआ कि मैंने एक अच्छा और बढ़िया स्टूडियो बना लिया, तो एक एडवांस्ड वर्जन कंप्यूटर ले लिया, मस्त एकदम। तो मैंने सोचा पुराने कंप्यूटर का क्या करूं, उतने में एक स्टूडेंट मिल गया, उन्होंने बोला एक काम करो मैम, आप तो मुझे कंप्यूटर दे दो, हमें गिफ्ट कर दो, इतना बढ़िया स्टूडेंट हूं आपका। मैंने कहा चलो ठीक है, कंप्यूटर मेरा बिजनेस असेट था क्या? हाँ। गिफ्ट किया तो क्या स्टूडेंट से वापस मांगूंगी? द आंसर इज नो। तो परमानेंट ट्रांसफर किया है, कंप्यूटर मेरा बिजनेस असेट है, और खरीदते टाइम मैंने इस पे ITC भी लिया था, तो आज जब मैं अपने स्टूडेंट से कंसिडरेशन नहीं ले रही हूं तो भी क्या हम इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे? द आंसर इज यस, ये GST में डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। दूसरा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आपस में कोई सप्लाई कर ले, लेकिन ध्यान रखना वो बिजनेस पर्पज होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई कर ले, चाहे गुड्स का चाहे सर्विस का, लेकिन वो बिजनेस पर्पज होना चाहिए, तो उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। चलो रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं जल्दी से बताना, तो मुझे सिर्फ एक सेकेंड देना, चैट में लिख के बताओ रिलेटेड पर्सन कौन और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Yes, sorry everyone, चलो तो रिलेटेड पर्सन कौन होंगे, वेरी गुड, सोफा कोप्स। रिलेटेड पर्सन कौन, सोफा कोप्स, और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस पर्पज से आपस में कोई सप्लाई कर ले बिना कंसिडरेशन के, तो भी हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। दो क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट से मुझे आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, मानो मेरा ही एक ब्रांच ऑफिस है, मैं अहमदाबाद में हूँ और मुंबई में ही मेरी एक ब्रांच है, मैंने अहमदाबाद के गोडाउन से मुंबई के शॉप पे गुड्स भेज दिए फ्री में बिना कंसिडरेशन के, क्या ये सप्लाई होगा, से यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, जेठालाल ने क्या किया, दया को एक नेकलेस गिफ्ट किया।
जेठालाल और दया क्या है? हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है ऑब्वियसली. तो बताओ, जेठालाल ने दया को एक नेकलेस गिफ्ट किया तो क्या ये डीम्ड सप्लाई होगा क्या? दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दो फटाफट से. हाँ जी मैम, क्वेश्चन वन में तो देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन ने सामान आगे बेचने के लिए क्या किया है? बिजनेस पर्पज से गुड्स को फ्री में सप्लाई किया, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा. जेठालाल ने भी दया को, जेठालाल और दया रिलेटेड पर्सन तो है, फ्री में गुड्स दिए, पर क्या ये बिजनेस पर्पज है? नहीं, ये तो पर्सनल कैपेसिटी में हस्बैंड अपनी वाइफ को नेकलेस दे रहा है, तो क्या ये डीम्ड सप्लाई होगी? दी आंसर इज नो, नहीं होगी. तो ध्यान रखना, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक पर्सन के बीच में अगर बिजनेस पर्पज से कोई भी सप्लाई हुआ तो वो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मान लिया जाता है. इसका एक एक्सेप्शन है. अब हमको पता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन होते हैं. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, सोफा कोप्स, सोफा कोप्स में ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई क्या होते हैं? रिलेटेड पर्सन होते हैं. लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को पर एनम बेसिस पे पूरे साल में 50,000 तक के गिफ्ट्स देता है तो दैट इज ओके, वो जीएसटी में सप्लाई नहीं होगा. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 50,000 तक का गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा डीम्ड सप्लाई. मानो अगर 55,000 का दिया तो क्या पूरा 55,000 सप्लाई मानू या सिर्फ एडिशनल 5,000 सप्लाई मानू? आप बताओ. यस, पूरा का पूरा 55,000 सप्लाई मानू या जितना 50,000 से ज्यादा है 5,000 उतना ही सप्लाई मानू? भाई पूरा का पूरा सप्लाई मानना है. ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है. अगर आपने लिमिट ब्रीच किया, ये क्या है, ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है. अगर आपने लिमिट ब्रीच किया तो फिर जो एंटायर अमाउंट है ना, वो एंटायर अमाउंट ही आपका सप्लाई बन जाता है. तो इसको ध्यान रखना. थ्रू आउट जीएसटी मोस्टली 99% केसेस में ऐसा ही होगा, लिमिट ब्रीच किया तो फिर एंटायर अमाउंट सप्लाई बनता है. कहीं एक आध जगह पे कुछ एक्सेप्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगी. थर्ड पैरा क्या बोलता है? थर्ड पैरा बोलता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किया बिना कंसिडरेशन के, तो ये भी सप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे सर्विस लिख के काट देना. इंपोर्ट में हम सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट में हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करते हैं. तो एजेंट ने प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या किया? गुड्स सप्लाई किया बिना कंसिडरेशन के, तो ये भी जीएसटी में क्या होगा? डीम्ड सप्लाई हो जाएगा. अब प्रिंसिपल कौन, एजेंट कौन, थोड़ी देर बाद आगे जाके डिस्कस करते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज अगेन फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस. देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा तो 7(1)(b) के हिसाब से हमेशा सप्लाई बन जाएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b) के हिसाब से हमेशा सप्लाई बन जाएगा. लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको देखनी है दो conditions. या तो ये इंपोर्ट रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए, एंड दूसरा प्लस एंड है ये, एंड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. तो इसको हम बिना कंसिडरेशन के भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं. यानी अगर मुझे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का चार्ट समराइज करना हो तो मैं क्या बोलूंगी, अगर विथ कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, हमेशा इसको हम सप्लाई मानेंगे. अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिना कंसिडरेशन के है तो ऐसे केस में रिलेटेड पर्सन ओन एस्टेब्लिशमेंट से है और इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई मानो, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं होगा. बोलो, सबको एकदम क्लियर है? यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन 7(1) कंप्लीट होता है. पूरा सेक्शन 7(1) एक ही पेज में कंप्लीट हो जाता है. आंख बंद करो तो क्या आपकी आंख के सामने ये पूरा चार्ट आता है क्या? 7(1) supply includes with consideration, without consideration. With consideration में 7(1)(a) all forms of supply, 7(1)(b) import of service, 7(1)(aa) वो member और अपने constituent वाला. 7(1)(c) ने बोला कि शेड्यूल वन के चार पैरा है, सिर्फ वही बिना consideration के supply होंगे, बाकी हर चीज में हमको consideration जरूरी है. चार पैरा क्या है? Permanent transfer business asset ITC availed. सेकेंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन लेकिन बिजनेस पर्पस. थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट. और फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, या तो रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए और बिजनेस पर्पस में होना चाहिए तो सप्लाई मानेंगे, वरना सप्लाई नहीं मानेंगे. चलो, अब बिल्कुल सब लोग एकदम ऑनेस्टी रखेंगे और आंसर्स नहीं देखेंगे. बुक बंद कर दो, आंसर आप लोगों को नहीं देखना है और मेरे इन क्वेश्चंस का फटाफट से जवाब दो.
बाबू भैया को इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज रिसीव की है। बाबू भैया ने क्या किया, अपने रेसिडेंशियल हाउस के लिए, अपने रेसिडेंशियल हाउस के लिए जापान से 10,000 yen में इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस लिया है। ये सप्लाई होगा या नहीं होगा, और आंसर सिर्फ येस नो में नहीं देना है, सेक्शन के साथ देना है। अभी अभी पढ़ा है तो क्लॉज भी याद होंगे, बाद में भूल जाओगे तो अलग बात है, बट अभी तो क्लॉजेस के साथ आपको याद होगा। सबसे पहले जापान से सर्विस लिया है, मतलब हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, और 10,000 yen के लिए लिया है, मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन हो गया। अब अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है तो फिर सेक्शन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग ये हमेशा सप्लाई होगा, चाहे रेसिडेंशियल पर्पज हो चाहे बिजनेस पर्पज हो। तो हम बोलेंगे कि अंडर सेक्शन 7(1)(b) बाबू भैया ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, जो कि जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू भैया ने अपनी ऑफिस के लिए, अपनी ऑफिस पर्पज के लिए यूएसए से लीगल सर्विस लिया है $150 में। अगेन यूएसए से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, फॉर कंसिडरेशन किया है, तो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, हमेशा ही उसको हम 7(1)(b) के अकॉर्डिंग क्या मान लेते हैं, सप्लाई ही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति ऑप्टेंड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हर सन स्टेइंग इन जर्मनी फॉर हर ऑफिस पर्पज विदाउट कंसिडरेशन। चलो इसका आंसर दो, सप्लाई होगा नहीं होगा, होगा तो कौन से सेक्शन में होगा, नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं है। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स दो। देखो मैम, सबसे पहले तो विदाउट कंसिडरेशन की बात आई, यानी अगर शेड्यूल वन में फॉल हुआ तो सप्लाई होगा, वरना गोल्डन रूल नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। अब शेड्यूल वन में जर्मनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया तो रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन से होना, रिलेटेड पर्सन ओन एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए, और इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो भाई सन है यानी स्पाउस और चिल्ड्रन, स्पाउस और चिल्ड्रन तो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ऑलवेज रिलेटेड पर्सन ही होते हैं। प्लस उसने ऑफिस पर्पस के लिए कंसल्टेंसी लिया है, मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई हुई, रिलेटेड पर्सन से लिया और बिजनेस पर्पस के लिए लिया, तो ये अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या हो जाएगी, डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चर डिजिटल स्टूडियो ने अपना पुराना कैमरा चैरिटी में डोनेट कर दिया जिसपे ITC भी लिया था। डोनेट किया है मतलब विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है मतलब शेड्यूल 1 पैरा 1 चेक कर लेंगे। परमानेंट ट्रांसफर किया है, हाँ डोनेट कर दिया है तो वापस तो मांगेंगे नहीं, मतलब परमानेंट ट्रांसफर है। कैमरा हमारा बिजनेस असेट था क्या, यस डिजिटल स्टूडियो है, कैमरा उसके लिए बिजनेस असेट था और उसपे ITC भी अवेल किया था। तीनों कंडीशन फुलफिल, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट, ITC अवेल्ड, तो ये बिना कंसिडरेशन के भी शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से क्या हो जाएगी, डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतिका ने अपनी पुरानी गाड़ी, अब हमको पता है गाड़ी का ITC ब्लॉक होता है अंडर सेक्शन 17(5), तो लतिका ने क्या किया, अपनी पुरानी गाड़ी गिफ्ट कर दी है अपनी फ्रेंड को, कार उसका बिजनेस असेट था। बोलो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, ए बोलो रे बोलो, सारे बोलो जय माता दी। चलो तो यहाँ पे हम बोलेंगे परमानेंट ट्रांसफर हुआ है, हाँ दोस्त से तो गाड़ी वापस आने का कोई चांस नहीं, परमानेंट ट्रांसफर है, गाड़ी हमारी बिजनेस असेट है, लेकिन गाड़ी खरीदते टाइम ITC लिया था क्या, नहीं, गाड़ी का ITC तो ब्लॉक होता है, तो हम बोलेंगे परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस असेट है, लेकिन ITC नहीं लिया था, तो फिर ऐसे केसेस में ये क्या हो जाएगा, डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी और हम गोल्डन रूल को स्टिक करेंगे, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। लेकिन रिच रिच प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पुरानी गाड़ी बेची है फॉर 5 लाख, तो क्या होगा बोलो, अगर रिच रिच प्राइवेट लिमिटेड ने यही सेम गाड़ी खरीदी थी जिसपे ITC नहीं लिया था और अब ये कार सेल कर दी फॉर 5 लाख, तो क्या होगा, ए तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो 7(1)(a) का नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसमें ITC ली थी नहीं ली थी से क्या मतलब, यहाँ तो हमने विद कंसिडरेशन सेल किया है, विद कंसिडरेशन सेल कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज में नॉर्मल सप्लाई किया, तो ये तो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने कार तुरंत से दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट समझो विद कंसिडरेशन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन में हम देखते हैं ITC लिया था नहीं लिया था, परमानेंट ट्रांसफर है नहीं है, क्या चीज है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रियंका गिफ्टेड एन आउटफिट वर्थ 60,000 टू हर हस्बैंड निक। अब समझो प्रियंका और निक क्या है, हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, स्पाउस है यानी ये हमेशा रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन आपस में कोई सप्लाई कर ले
तो डीम्ड सप्लाई होती है, लेकिन बिजनेस पर्पस से होनी चाहिए। अब कपड़े तो ऐसे ही कोई किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, प्रियंका का कोई बिजनेस तो है नहीं कपड़े बेचना। तो भाई निक प्रियंका का रिलेटेड पर्सन तो है क्योंकि स्पाउस है, लेकिन जो गिफ्ट है ना वो इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। द सेम दया जेठालाल एग्जाम्पल दैट वी जस्ट नाउ टुक। तो यहाँ पे ये शेड्यूल वन में फॉल नहीं होता, एंड देयरफॉर वी स्टिक टू द गोल्डन रूल व्हिच सेज नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। एकदम क्लियर से यस और नो सेक्शन 7-1 दिल दिल आगा बम बम समझ में आ गया क्या? राइट मैम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 7-1A जो हमको बताएगा कि चलो सप्लाई तो है लेकिन गुड्स का है कि सर्विस का है ये बताओ। सप्लाई तो है लेकिन गुड्स का है कि सर्विस का है ये बताओ। तो इसके लिए 7-1A ने कोई लोड नहीं लिया। 7-1A ने बोला शेड्यूल 2 को जाके देख लो। 7-1A ने बोला शेड्यूल 2 को जाके देख लो। शेड्यूल 2 बोलता है कि कोई चीज गुड्स है तो गुड्स मान लो, सर्विस बोलता है तो सर्विस मान लो। बच्चों जैसा सेक्शन है, पावर बैच में तो करवाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फटाफट से 5 मिनट में कवर करवा रही हूं। ट्रांसफर की बात करें, अगर आपने पूरा टाइटल ट्रांसफर कर दिया, पूरा टाइटल भाई ये बॉटल जो मेरी थी मैंने आपको बेच दिया, अब इस बॉटल के साथ आपको जो करना है, बॉटल में जो भरना है आप भर सकते हो कर सकते हो, तो ये मैंने पूरा टाइटल दे दिया मतलब दे दी, तो क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन यही मैंने बोला कि नहीं, एक काम करो पोजेशन ले लो, कंट्रोल ले लो, इसको यूज कर लेना, इसका राइट ले लो, लेकिन पूरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रही, तो वो क्या हो जाता है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। तो राइट देना, अनडिवाइडेड शेयर देना बिना ट्रांसफर ऑफ टाइटल किए, इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी फ्यूचर डेट पे पास होने वाली हो तो मानो हायर परचेज अग्रीमेंट है, हायर परचेज अग्रीमेंट है, मैंने ईएमआई पे एक गाड़ी खरीदी है, तो आज गाड़ी तो मुझे मिल गई, मैं मंथली पेमेंट करती जाऊंगी, जब ईएमआई पूरी होगी तब वो टाइटल कार का पूरा मेरे नाम ट्रांसफर होगा। तो फिर इसको गुड्स माने सर्विस माने? इसको भी गुड्स ही मानना है, बिकॉज इंटेंशन तो यही है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी आगे जाके हमको पूरे गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करना ही है। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो, हायर परचेज हो, ऐसा कुछ जहां पे टाइटल ऑफ गुड्स आपको पास करना है वही आपका इंटेंशन है, लेकिन अभी नहीं किसी फ्यूचर डेट पे पास कर दोगे जब पूरा कंसिडरेशन मिल जाएगा, तो फिर ऐसा केस में, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और सर्विस नहीं मानते हैं। लैंड बिल्डिंग तो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, लैंड बिल्डिंग का सेल करने पे तो जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन लैंड बिल्डिंग को लीज पे देना, रेंट पे देना, टेनेंसी पे देना, ये सब क्या हो जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है, समझाने की जरूरत नहीं है। किसी और के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करना, प्रोसेस करना, जॉब वर्क करना, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा। भाई मानो मैं टेलर हूं, कोई आया मुझे कपड़ा देके गया, मैंने सिल के वापस दे दिया उसके गुड्स जिसपे मैंने कुछ काम किया और फिर से दे दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो किसी और के गुड्स हो, मोबाइल किसी का खराब हो गया, मेरी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, वो मोबाइल लेके आया, मैंने रिपेयर किया, वापस दे दिया, उसके गुड्स पे मैंने काम किया, ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस किया, जॉब वर्क किया, तो इसको मैं क्या बोलूं? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूंगी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की बात करें, परमानेंटली ट्रांसफर कर दोगे तो गुड्स हो जाएगा, टेम्पररीली ट्रांसफर करोगे तो सर्विस हो जाएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट समझना, आज आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, आपने क्या किया? एक शॉप सेटअप किया, इस शॉप में मस्त फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, सब लेके सबका आईटीसी ले लिया क्योंकि सब कुछ बिजनेस पर्पस था। फिर आप बिजनेस बंद करके कट लिया, आईटीसी ले लिया, मस्त आईटीसी को सेट ऑफ विट ऑफ कर लिया, और फिर आपने बोला चलो आज से बिजनेस बंद, अपन तो फ्री। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे थे, आप बिजनेस कर रहे थे और आपने कुछ असेट्स, अपने बिजनेस असेट्स लिए थे, आज अगर आप सीज हो जाते हो कि नाउ यू आर नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो भी असेट्स आपके पास पड़ी है ना उनको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं। चलो पावर बैच है तो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी कि आपको याद होगा हम आईटीसी चैप्टर में ना ये पढ़ते भी है कि जब आप गुड्स का, कैपिटल गुड्स का परमानेंट डिस्पोजल ट्रांसफर कर देते हो तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या 5% क्वार्टर रिडक्शन विच एवर इज हायर करके हम उस पे टैक्स भी भरते हैं। याद है तो कोई वेरी गुड, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आईटीसी आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो भाई आपने क्या किया? बिजनेस पर्पस के लिए असेट्स खरीदी, आईटीसी वगैरह ले लिया, एंड नाउ यू आर नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, यू आर मतलब आप सीज कर रहे हो कि आप आगे टैक्सेबल पर्सन की तरह कंटिन्यू नहीं करोगे, तो फिर ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि आपके पास जो भी असेट्स पड़े हैं वो सारे डीम्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। हावेवर अगर आप अपना बिजनेस एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब बिजनेस आगे चलने वाला है, असेट्स आगे यूज होने वाले हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो डीम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और दूसरा, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बिजनेस को कैरी ऑन करने वाला है,
तो भी हम ऐसा डीम्ड ट्रांसफर नहीं मानेंगे, अदरवाइज अदरवाइज हम ऐसा डीम्ड ट्रांसफर मान लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट एकदम सिंपल है, परमानेंटली एसेट ट्रांसफर किया, पैसा ले लिया, ये तो एक नॉर्मल सेल ही हो गया, तो सेल ऑफ गुड्स हो गया। टेम्पररीली दिया, मैंने बोला कि चल मेरी गाड़ी है 5 दिन ले जा, 5 दिन का किराया मुझे 10,000 दे देना, 5 दिन के लिए मैंने कार यूज करने दे दी, 10,000 सामने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्विस हुआ, टेम्पररीली सिर्फ यूज करने दिया। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भाई आपके पास जो कैपिटल एसेट्स पड़े थे बिजनेस में, नाउ यू आर नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, तो सब ITC ले लिए थे, उसका क्या करोगे अब? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना बिजनेस बंद कर देते हो, यू आर नाउ नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, तो फिर ऐसे केसेस में हम मान लेंगे कि आपकी जो असेट्स है वो सारी डीम्ड ट्रांसफर, डीम्ड सेल ऑफ गुड्स हो चुका है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है एज गोइंग कंसर्न, कोई और आपके बिजनेस को आगे चलाने वाला है, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो बिजनेस को चलाने वाला है, तो फिर ऐसा डीम्ड ट्रांसफर मानने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर देवांशी टू यू। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। नाउ दिस इज द ओनली पॉइंट जो आपको समझना है शेड्यूल 2 में, बाकी आपको सब आता है। देखो ये पॉइंट लास्ट में समझाती हूँ। इसके अलावा किसी को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज करने देना, मानो आजकल ये जो मूवीज रिक्रिएट होती है, जो गाने हैं वापस रिक्रिएट होते हैं, तो जो ओरिजिनल ओरिजिनल ओनर्स है वो लोग क्या करते हैं, राइट्स देते हैं इन लोगों को, दैट इज ऑल अगेन सेल ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स। उसके अलावा IT सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, डेवलप करना, प्रोग्राम करना, इंप्लीमेंट करना, सब क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अग्रिंग टू डू एन एक्ट, नॉट डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, इसके रिलेशन में हम पूरा क्लेरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये नॉन कम्पीट अग्रीमेंट्स है, कुछ करना कुछ ना करना। जैसे एग्जाम्पल लिया था, वासु पास होके बोल रहा है कि मैं टीचिंग करूंगा, मैंने बोला नहीं नहीं मत करो, मैंने पैसा दिया, कुछ ना करने के लिए उसने पैसा लिया, तो वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो कुछ ना करने के लिए पैसा लेना, कुछ करने के लिए पैसा लेना, मैंने बोला ओए इलीगल है, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोला गौरांग किसी का सुपारी देना है, मेरे को मेरे एक्स का सुपारी देना है, तो गौरांग ने बोला हो जाएगा मैम, हो जाएगा, अपन 5,00,000 रुपया लेगा। तो ऐसे केसेस में गौरांग ने मेरे लिए कुछ करने के लिए मुझसे पैसा लिया, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। वासु ने कुछ ना करने के लिए पैसा लिया, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। कुछ करने के लिए पैसा लेना, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। या कोई कुछ कर रहा है उसको टॉलरेट करना, मानो हमारी सोसाइटी में 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाना बिल्कुल बैन है, 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाना बिल्कुल बैन है, लेकिन CA का रिजल्ट आया था रिसेंटली, मस्त बच्चे रैंक वैंक लेके आए, मैं इतनी खुश, मैंने कहा भाई हम तो पार्टी करेंगे, मैंने सोसाइटी वालों के मुंह पे 50,000 फेंक के मारे, मैंने बोला ये रखो 50,000, आज रात 2 बजे तक हमारी तो पार्टी चलने वाली है। सोसाइटी वालों ने मुझसे 50,000 लिए, क्यों? क्योंकि वो मेरा लाउड म्यूजिक टॉलरेट करने वाले हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो कुछ ना करना, कुछ टॉलरेट करना, या कुछ करना जिसके लिए पैसा लेना, इट इज ऑल सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली, राइट। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज, भाई आप सिर्फ किसी को राइट दे रहे हो किसी पर्पस के लिए यूज करना, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और रेस्टोरेंट और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट दोनों हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं, ये दो कॉम्पोजिट सप्लाईज है। अब आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप दो चीज के लिए जाते हो, वहां का खाना और वहां का एम्बियंस। खाना मूवेबल प्रॉपर्टी है, खाना मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हो, मतलब वो तो आइडियली गुड्स है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना कि आप वहां पे जाओ सब पड़ा है, खुद खाना बनाओ लेके खाओ, ऐसा तो होता नहीं है, वो हमको बना के देते हैं। एम्बियंस होता है, सर्विसेज भी मिलती है, तो फिर रेस्टोरेंट को गुड्स माने सर्विस माने, तो गवर्नमेंट ने वन फॉर ऑल क्लियर कर दिया कि रेस्टोरेंट को हमेशा सर्विस ही माना जाएगा। सेम गोज विद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेकेदार होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो हम जैसे मैंने बोला कि 1 करोड़ दूंगी, 1 करोड़ रुपया देगा जिसके सामने आपको मुझे पूरा बिल्डिंग बना के देना है, माल सामान सब कुछ आपका, जो भी इसमें ईंट सीमेंट रेती लगने वाली है या कोई भी सर्विसेज लगने वाली है, तो सब आप ले लेना, मुझसे टोटल 1 करोड़ ले लेना। मतलब ये बंदा मुझे सर्विस भी दे रहा है और ये बंदा मुझे सारे गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मान लेते हैं। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट जो कि एसेंशियली कॉम्पोजिट सप्लाईज है, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि इनको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है, येस और नो। तो ये सारे पॉइंट्स तो एकदम सिंपल थे, जो डिस्कस करना है वो सिर्फ ये है 5B वाला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट। अब समझना, सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग तो GST के परिव्यू से बाहर है, यानी एक बिल्डिंग है अभी मैं जहां पे रहती हूँ, अगर मुझे ये घर बेचना है, अभी मैं जहां पे रहती हूँ मुझे ये घर बेचना है, तो इसको मैं क्या मानूंगी, कुछ नहीं, GST के परिव्यू से बाहर है।
क्योंकि सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग पे जीएसटी लगता ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बिल्डिंग है, ये लैंड है, ऐसी अधूरी सी बिल्डिंग बनी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, इधर बिल्डर का ऑफिस, इधर बिल्डर का ऑफिस, मैं गई, मैंने बोला अपने को ये प्रॉपर्टी खरीदने का है, प्रॉपर्टी इज नॉट येट कंप्लीटेड, अब अगर मैं कंसिडरेशन देती हूं ना तो इस पे जीएसटी लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि जो चीज बनी ही नहीं है वो आप खरीद कैसे सकते हो। व्हेन आई एम सेइंग कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अभी तक बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है मतलब मैंने जो खरीदा ना वो बिल्डिंग नहीं है, मैं बिल्डर को पैसा दे रही हूँ ताकि वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट करे, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ले रही हूँ। तो किसी भी प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, टीसी या एफओ, जब भी कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो हमको लोकल अथॉरिटीज से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या तो आप वहां पे जाके रहने लग जाओ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर इस डेट के पहले तक जो भी पैसा दिया जाता है वो सब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और उस पर जीएसटी लगता है। एक बार या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए या तो उसमें लोग ऑक्यूपाई कर ले, उसके बाद जो पैसा दिया जाता है ना वो फॉर सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग माना जाता है और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। से यस और नो। वास्तु पूछ रहे हैं कि मैम अगर पैकेज्ड फूड, मानो मैंने शॉप पे जाके मिल्क बिकीज जिम जैम बिस्किट का पैकेट खरीद लिया तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज अ सेपरेट थिंग, रेस्टोरेंट इज अ सेपरेट थिंग। चलो एक एग्जांपल, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे फटाफट से आंसर चाहिए। 15 जैन, मान लो, चलो 15 जैन 2024 को मैंने 50 लाख रुपीज पे किए एक प्लॉट, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था 15 मार्च 2024 को, फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ था 30 जून 2024 को, कुछ और पैसा भी मैंने दिया था, तो मान लो कि ऑन 17 अप्रैल 2024 मैंने 20 लाख और दिए, और लास्ट में 1 जुलाई 2024 को मैंने क्या किया, 30 लाख और दे दिया, टोटल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 50 + 20 + 30 टोटल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसमें मैंने 3 अलग अलग डेट पे पैसा दिया, बताओ किस पे जीएसटी लगना चाहिए और किस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानू और किसी किसको सप्लाई मानू ही नहीं। देखो कट ऑफ डेट कैसे डिसाइड होगी, तो सीसीएफओ व्हिचएवर इज अर्लियर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मार्च में आया, फर्स्ट ऑक्यूपेशन जून में हुआ, हम ले लेंगे अर्लियर डेट, अर्लियर डेट क्या है 15 मार्च, यानी 15 मार्च के पहले तक जो पैसा मिला वो सारा जीएसटी में आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उसके बाद जो मिला सब कुछ आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी सिर्फ इस 50 लाख को हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए पैसा दिया है, इस पे जीएसटी आएगा, और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि आफ्टर 15 मार्च है, इन सब में नो जीएसटी हो जाएगा, यानी ये जो बीच की डेट है ना इन दोनों की, ये भी नो जीएसटी में ही आएगी, हमको व्हिचएवर इज अर्लियर देखना होता है। वेरी वेरी गुड। तो देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर को हम क्या मानते हैं, सर्विस मानते हैं, कंडीशन बीइंग कंसिडरेशन सीसी या एफओ व्हिचएवर इज अर्लियर के पहले मिलना चाहिए, बिफोर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आफ्टर मिलेगा ना आफ्टर, तो वो तो सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग हो जाता है जो कि जीएसटी के परव्यू से बाहर है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा सेक्शन 7(1)(a) जो हमको बताता है कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है। 7(3) हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर है काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफाई कर दे कि ये गुड्स है सर्विस नहीं, या तो ये सर्विस है गुड्स नहीं। अब हमको पढ़ना है लास्ट सेक्शन ऑफ सप्लाई चैप्टर, जिसमें अमेंडमेंट भी है, सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स है। मैम इसमें अमेंडमेंट है? हाँ, तो देखो सेक्शन 7(1) ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7, हाँ कितने अच्छे बच्चे हैं मैम, जब भी टॉपिक खत्म होता है आप बोलो ना बोलो, हम सामने से बता देंगे कि हमको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, बढ़िया से इमोजीज के साथ। कभी भी ड्यूरिंग द लेक्चर जैसा लगे कि मैम समझ तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है, पर हम लर्न नहीं कर पा रहे, तो टेल मी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर बैचेस, कि आपको चीजें समझ आए और आपको लर्न भी हो, एंड 3.5 घंटे के लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स है, तो मजा आना तो प्री रिक्विजिट है। तो समझ आना, मजा आना और याद होने में से कुछ भी मिसिंग लगे
तो फटाफट बता देने का, वरना सामने से टॉपिक खत्म तो बोल देने का, मैम दिल दिल आगा बम बम, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और याद हो रहा है। से राहुल जैसे स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। वेरी नाइस। चल तो 7-1 बोला सप्लाई इंक्लूड्स, 7-2 बोला सप्लाई एक्सक्लूड्स। अब सप्लाई एक्सक्लूड्स में हमको दो क्लॉजेस देखने हैं, पहला 7-1A जो शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट बताता है, और दूसरा 7-1B जहां पे कुछ और एडिशनल चीजें नोटिफाइड है। पहले 7-2A की बात करते हैं, जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स बताएंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में मेरा पावर रिविजन लेक्चर कुछ भी देखा है, वो बताएंगे शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट क्या है। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। चलो सेक्शन 7-2A नेगेटिव लिस्ट क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। ये तो मतलब कभी मुझसे पढ़ा है तो फिर नींद में भी नहीं भूलने चाहिए आप लोग। वेरी गुड। 7-2A है मैम FB चेंजेस। 7-2A क्या है? FB चेंजेस। भाई आज के जमाने में कौन फेसबुक यूज करता है? फेसबुक क्या हो चुका है? नेगेटिव लिस्ट हो चुका है, GST से एक्सक्लूड हो चुका है, सप्लाई से एक्सक्लूड हो चुका है, ऐसे हम इसको याद रख लेते हैं। तो भाई सेक्शन 7-2A शेड्यूल 3 क्या बोलता है? FB चेंजेस में अगर आप फॉल हो रहे हो, FB चेंजेस में अगर आप फॉल हो रहे हो तो फिर ये सप्लाई है ही नहीं। भले गुड्स है, सर्विस है, डेफिनेशन सब कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, फिर भी हम इसको जीएसटी के परव्यू से बाहर मानते हैं और इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। F क्या बोलता है? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, मॉर्चुरी, बरियल, क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, मॉर्चुरी, बरियल, क्रिमेटोरियम, भाई डिपेंडिंग अपॉन आपके धर्म में क्या होता है, आपको जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी है सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो फ्यूनरल, मॉर्चरी, बरियल, क्रिमेटोरियम सब कुछ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। यानी आप टपक गए, मानो लेक्चर देखते देखते इतने उत्साही हो गए बिल्कुल, अरे मैम सब आता है, अटैक आ गया, टपक गए। तो ऐसे केस में जो डेड बॉडी वैन होती है, मैम सुबह सुबह कैसी बातें करते हो, डर लग रहा है, अरे जस्ट एग्जाम्पल रे मस्ती। तो भाई जो डेड बॉडी को घर से शमशान घाट, ऐसे नहीं बोल सकते शमशान घाट से घर, वो तो होगा नहीं ना, तो उधर गए, हो गया आपका काम, निपट गया। तो जब भी डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना घर से शमशान घाट से घर, डर जाएंगे घर वाले। तो भाई ऐसे केस में हम बोल रहे हैं कि आपको घर से ले गए शमशान घाट, तो वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर हो जाता है। तो एफ क्या बोलता है? एफ क्या बोलता है? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, मॉर्चरी, बरियल, क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। इंसान को शांति से मरने दो, कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। बी क्या बोलता है? चलो फुल फॉर्म भी खुद से बता देने का, हाँ ऐसा पूछना नहीं पड़ना चाहिए, फुल फॉर्म भी खुद से बता दो। बी क्या बोलता है? तो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है? तो भाई कस्टम्स में हमको पता है जब भी गुड्स आते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो फटाफट से कस्टम ड्यूटी पे करो और गुड्स को तुरंत से होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लो, या तो फिर हम कस्टम्स के बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रख सकते हैं बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी किए। जब हम बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के गुड्स को वेयर हाउस में रखते हैं और क्लियर करने के पहले ही किसी को बेच देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। क्या उस पर जीएसटी लगता है? द आंसर इज नो, नहीं लगता है। जिस पर्सन ने बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में गुड्स खरीदे हैं वो अल्टीमेटली जब निकालेगा वेयर हाउस से तब कस्टम ड्यूटी पे करेगा, तो वो उसके साथ जीएसटी पे कर देगा। तो जब इस ओरिजिनल पर्सन ने बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर किया तब जीएसटी नहीं लगेगा, ये पर्सन अब जब वेयर हाउस से गुड्स निकालेगा तब वो कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी पे कर देता है। फ्यूनरल, मॉर्चरी, बरियल, क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। सी क्या बोलता है? जल्दी से बताओ। अरे वाह, सी क्या बोलता है? तो कोर्ट ट्रिब्यूनल। सी क्या बोलता है? कोर्ट ट्रिब्यूनल, यानी आप कोर्ट में, भाई न्याय तो सबका अधिकार है ना, तो आप कोर्ट गए, ट्रिब्यूनल गए, वहां पे कोई फीस पे किया आपने न्याय के लिए, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उसको भी हम डीम ट्रिब्यूनल मान लेते हैं। तो भाई किसी शॉपकीपर ने आपके साथ चीटिंग कर दी, छेतरपिंडा कर दिया। छेतरपिंडा क्या होता है मैम? तारक मेहता देखते होंगे तो आपको वो एपिसोड याद होगा जहां पे पूरी महिला मंडल साड़ी लेने जाती है और सब लूट जाते हैं, उसके बाद वो लोग साड़ी की दुकान के बाहर गरबा करते हैं, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाते हैं, उधर कंप्लेन करते हैं। तो वो भी डीम ट्रिब्यूनल है, वो भी हमसे जो पैसा चार्ज करते हैं उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। एच क्या बोलता है? तो हाई सी सेल। एच क्या बोलता है? हाई सी सेल। हाई सी सेल का मतलब ये इंडिया, मानो चाइना से कोई गुड्स खरीदे, वहां से निकले,
रस्ते में है, रस्ते में है अभी तो बोट, या तो इंडिया पहुंच गया है लेकिन होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को अभी तक हमने क्लियर नहीं किया है, कोई ड्यूटीज पे नहीं की है। जब गुड्स तैरते तैरते हाई सी में है तभी मैं अगर किसी पर्सन को बेच दूं तो क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, नहीं लगेगा। हावेवर जिसने ये गुड्स खरीदे हैं ये जब अल्टीमेटली कस्टम्स ड्यूटी पे करके इंडिया में क्लियर करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कस्टम्स ड्यूटी के साथ जीएसटी भी पे कर देगा। उसके बाद अरे क्या लिखा है, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर जिनको समझ नहीं आया उनको कस्टम्स नहीं आता है, मतलब आप लोग पावर बैच पहली बार लाइफ में देख रहे हो, आपने जीएसटी नहीं पढ़ा है। जिसको बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी से ऑनेस्टली बता दो कि भाई पावर बैच से ही हम तो पूरा जीएसटी प्रिपेयर करने वाले हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं। कोई बात नहीं, जब कस्टम्स पढ़ोगे तब बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर भी समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी। कस्टम्स का टॉपिक है ये, तो जो पहली बार जीएसटी पावर बैच से करने के खतरों का खिलाड़ी कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, टेक्स्ट कर देना, समझा दूंगी टेलीग्राम पे। ए क्या बोलता है? एक्शनेबल क्लेम्स। ए क्या बोलता है? एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, गुड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम्स स्पेसिफिकली गुड्स में इंक्लूड होते हैं, लेकिन हर जो चीज गुड्स है उस पर जीएसटी लगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक्शनेबल क्लेम्स को एक काम करो नेगेटिव लिस्ट में डालो, जीएसटी के परव्यू से बाहर निकालो, हमको एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगाना है, उसको सप्लाई नहीं मानना है। द अमेंडमेंट हियर इज, पहले अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। पहले क्या था कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट में आते हैं अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा उसको सप्लाई मानना है, इसको हटा दिया। अमेंडमेंट से इन्होंने बोला यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अमेंडमेंट से इन्होंने क्या बोला तो देखो इन्होंने बोला कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट में आएंगे अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब जो यहाँ पे स्कोप था वो और ब्रॉड कर दिया। पहले हम यहाँ पे पढ़ा करते थे अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, अब चेंज क्या बोलता है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग कैसीनो सब कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में आ जाता है। तो ये सब पे तो जीएसटी लगेगा, इन सबको तो सप्लाई मानना है। अब इनके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम बच गया, मानो कोई क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट है ऐसा कुछ है, तो फिर उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मतलब यूं तो एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट है जीएसटी के स्कोप से बाहर, लेकिन ये जो 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आपको सुबह याद करवाए थे, इन 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को नेगेटिव लिस्ट से निकाल दिया है, मतलब इनको सप्लाई मानेंगे और इन पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद एन क्या बोलता है? एफबी चेंजेस पढ़ रहे हैं हम, एफबी चेंजेस, फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, कोर्ट ट्रिब्यूनल, हाई सी सेल, एक्शनेबल क्लेम। एन क्या बोलता है? एन बोलता है एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स जाना विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। इंडिया के लोगों का पूरी दुनिया में जुगाड़ है, ठीक है, ये बंदा बैठा है इंडिया में, इसने चाइना के चीचौ, इसने चाइना के मिस्टर चीचौ को यूएस के मिस्टर जॉन से मिलवाया और चीचौ ने जॉन को कुछ गुड्स सप्लाई कर दिए, ये गुड्स सीधा चाइना से यूएस गए। ट्रांजैक्शन भले ही इस पर्सन ने फैसिलिटेट करवाया था, ये पर्सन इंडिया में बैठा है, इसने चीचौ जॉन को मिलवाया और चीचौ ने जॉन को गुड्स भेज दिए, यानी चाइना जो कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है वहां से गुड्स यूएसए चले गए जो भी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो ऐसे केस में क्या इन गुड्स पे इंडिया में हम जीएसटी लगा सकते हैं? द आंसर इज नो। तो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से जब गुड्स दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में चले जाते हैं बिना इंडिया में कदम रखे, विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में है और उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। जी क्या बोलता है? तो गवर्नमेंट। जी क्या बोलता है? गवर्नमेंट, मतलब आप एमएलए हो, एमपी हो, तो आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर हो तो आपको भी रेम्यूनरेशन मिलता है। तो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर हो, किसी गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर हो, चेयरपर्सन हो, तो ऐसे केसेस में जो भी कंसिडरेशन आप लेते हो वो सब सप्लाई नहीं मानी जाती है। यानी आज एक एमएलए को जो भी पैसा मिलता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। दैट इज जी। ई क्या बोलता है? ई बोलता है सर्विसेज बाई एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट।
अब ये समझना इन कोर्स और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ये समझना क्या बोलता है। चल मानो ये है एक एम्प्लॉयर, लेट्स अज्यूम ये जेठालाल है और ये बाघा है। बाघा कौन है? बाघा जेठालाल का एम्प्लॉय है। ऐसे केसेस में जेठालाल ने मानो पर मंथ 25,000 सैलरी बाघा का फिक्स किया हुआ है। सैलरी तो देना ही है, प्लस इसके अलावा इनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में और भी कुछ परक्विजिट्स लिखे थे कि घर से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से वापस घर जाना, ये वगैरह एडिशनल फैसिलिटीज भी तुमको दी जाएगी। मतलब 25,000 तो इनहैंड सैलरी है, कॉस्ट टू कंपनी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसे केस में जेठालाल बाघा को जो भी सैलरी, परक्विजिट्स, फैसिलिटीज, मॉनिटरी बेनिफिट्स कुछ भी देता है जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के विद इन है, कुछ भी दिया जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के विद इन है, तो उसमें से किसी को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाघा जेठालाल को सर्विस दे रहा है जिसके सामने जेठालाल कंसिडरेशन दे रहा है तो जीएसटी लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा। यानी एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के रिश्ते को, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के रिश्ते को हमने क्या किया, सप्लाई के स्कोप से बाहर निकाल दिया है। बट रिमेंबर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। मानो गोकुलधाम सोसाइटी में पेंट करना था, बाघा ने बोला मुझे पेंट करना आता है, मैं पेंट कर दूंगा, जिसके लिए अलग से कंसिडरेशन दिया गया है। तो बोलो क्या गोकुलधाम सोसाइटी को पेंट करना ये इनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में था क्या? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे बाघा एज अ पेंटर, बाघा एज अ पेंटर गड़ा गोकुलधाम सोसाइटी के साथ डील कर रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस की डील है। यहाँ पे वो जेठालाल के एम्प्लॉय के शक्ल में नहीं आ रहा है, ही इज कमिंग ऑन हिज ओन, व्हाट इज शक्ल पता नहीं। तो यहाँ पे वो एज एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो एज पेंटर आ रहा है। तो यहाँ पे वो जो कंसिडरेशन लेगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो हम बोलते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विसेज दी है जिसके लिए पैसा मिलता है वो सप्लाई नहीं होगा, पर अगर कोई आउटसाइड दी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सप्लाई है तो फिर उसको हम जीएसटी में सप्लाई कंसिडर कर लेते हैं। एंड लास्ट एस जो हमको ऑलरेडी पता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू शेड्यूल टू। क्यों सब्जेक्ट टू शेड्यूल टू? क्योंकि शेड्यूल टू में पढ़ा CCFO whichever is earlier के पहले पैसा मिल गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, CCFO whichever is earlier के बाद पैसा मिला तो वो यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग, और उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं। बोलो बधू खबर पड़ी गई तुमने, समझन पड़ी, सारे दिमाग में घुस रहे है मैं कहीं पढ़ा रही हूं से यस और नो। यस ये अमेंडमेंट है पर एस सच आपके काम का नहीं है, सुन लो। अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? अमेंडमेंट बोल रहा है कि ये तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें? ये जो कस्टम से रिलेटेड वाली थी, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, हाई सी सेल और वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, हाई सी सेल और वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये जो तीन चीजें है ना, पहले नहीं हुआ करती थी, बाद में इंसर्ट की थी। जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से ही आ गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एंट्रीज नहीं थी, इनको बाद में इंसर्ट किया गया था। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके ऐसा बोल दिया कि डीम्ड मान लो एज इफ 1/7/2017 से ही ये चीजें हमने ऑलरेडी इन इफेक्ट ला दी है। लेकिन एक बात समझना, अगर कोई टैक्सेस आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, मानो हमने कोई हाई सी सेल किया था, हमने जुलाई 2017 में कोई हाई सी सेल कर लिया था, तब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं था, हमने इस पे जीएसटी भर दिया, तो अब इसका रिफंड मांगने मत आना। हम बोल रहे हैं अब इसका रिफंड मांगने मत आना, लेकिन अगर तब आपने टैक्स नहीं भरा था तो अब गवर्नमेंट भी आपसे उसका टैक्स मांगने नहीं आएगी, क्योंकि तो गवर्नमेंट मान रही है एज इफ ये 1/7/2017 से ही हमने एनफोर्स कर दिया है। लेकिन ऐसे केस में तो हो सकता है कुछ लोगों ने तब टैक्स भर दिया था, वो अब रिफंड मांगने आ जाएंगे, तो वो भी मत करना, और तब टैक्स नहीं भरा था तो सरकार भी आपसे अब उसका टैक्स नहीं मांगेगी। से यस और नो। ओझा सर आपका जो डाउट है ट्रिब्यूनल आरसीएम वाला, वो चार्ज के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, वो चार्ज के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। बोलो यस और नो, यहाँ पे समझ आ गया आपको पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट। तुला मालत पड़े के नहीं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो जल्दी से मेरे साथ लिख दो ना FB changes का फुल फॉर्म, जल्दी से मेरे साथ लिख दो FB changes का फुल फॉर्म, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एक एक वर्ड में लिख के बताएंगे सेक्शन 7(2)(a) शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट जो गुड्स सर्विसेज होते हुए भी सप्लाई नहीं है. फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड. बी क्या बोलता है, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर. तो भाई जब गुड्स इंपोर्ट किए और अभी तक क्लियर नहीं किए कस्टम्स के बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़े हैं, कस्टम्स के बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़े हैं उस टाइम पे अगर आप सप्लाई कर देते हो तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जिसने परचेज किया है वो फिर जब अल्टीमेटली वेयरहाउस से क्लियर करेगा तब कस्टम्स जीएसटी सब कुछ लग जाएगा. सी क्या बोलता है, कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल. चलो अब किसी ने डाउट पूछा है तो क्लियर कर ही देती हूँ. हम आरसीएम में पढ़ते हैं, जब हम आरसीएम की एंट्रीज पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सप्लाई देता है जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है तो फिर आरसीएम लगना चाहिए. हमने पढ़ा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, पावर बैच है तो मानती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा. तो भाई अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा टर्नओवर था उसको सप्लाई देता है तो आरसीएम लगता है. यहां तुम बोलत रहे कि इका तुम नेगेटिव लिस्ट में डालो, जीएसटी से बाहर निकालो, वहां तुम बोलत रहे कि इसको आरसीएम में ले लो, तो सही क्या है, तो सही क्या है. यहां तुम बोले कि ट्रिब्यूनल तो नेगेटिव लिस्ट मामा है, वहां तुम बोले ट्रिब्यूनल में आरसीएम लगाओ, नेगेटिव लिस्ट है तो आरसीएम कैसे लगेगा, किसको आता है इसका आंसर जल्दी बताओ, तब तक बाकी डिस्कस कर लेते हैं. फ्यूनरल बॉन्ड कोर्ट हाई सी सेल एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे तो जीएसटी लगता है. नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. चल कौन सा होनहार बच्चा मुझे इसका जवाब देगा. एक ट्रिब्यूनल में तो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव लिस्ट में है, दूसरे ट्रिब्यूनल में बोलते हो आरसीएम लगाओ. मैम मैम लॉ में लूप होल है, लॉ में लूप होल है क्या. सबको हम कोर्ट जैसा मानते हैं, इन सबको हम कोर्ट जैसा मानते हैं, ये नेगेटिव लिस्ट में आते हैं शेड्यूल 3 के. हावेवर आप लोगों ने पढ़ा होगा मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, ये करने के लिए भी आप ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, इनमें लग जाता है आरसीएम. ये दोनों ट्रिब्यूनल्स अलग है. नेगेटिव लिस्ट में हम जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, वेरेस जो आरसीएम का लिस्ट है, आरसीएम के लिस्ट में हम ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आरसीएम के लिस्ट में हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन है, इन सब के रिलेशन में बात करते हैं जहां पे बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स पे करना होता है. ओजा सर बताओ समझ में आया क्या. वंस अगेन रिपीट करती हूं, देखो ट्रिब्यूनल में जुडिशियल ट्रिब्यूनल अलग चीज है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलग चीज है. अगर लॉ में कंपनी लॉ के रिलेशन में कोई केस है हम एनसीएलटी के पास जाएंगे, जीएसटी में कोई दिक्कत है तो हम जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, कस्टम्स में कोई दिक्कत है हम सेस्टैट के पास जाएंगे. ये सारे नेगेटिव लिस्ट में आते हैं शेड्यूल 3 में. जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स है कोर्ट के बराबर माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, इनके लिए जो ट्रिब्यूनल में जाते हो ना वो अलग चीज है, और वहां पे हम बोलते हैं कि आरसीएम के प्रोविजंस लग जाते हैं. बोलो जल्दी से समझ में आया क्या. वीडियो लैग हुआ था, ऐसा कुछ था, मैंने रिपीट कर दिया तो क्लियर है सबको, अब आ गया समझ में से यस और नो. यस एवरीवन. चल तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 7. 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स, 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स, 7(3) गवर्नमेंट के पास पावर है क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है बताने के लिए, मतलब गुड्स है सर्विस नहीं है, सर्विस है गुड्स नहीं, ऐसा वो बोल सकते हैं. और 7(1)(a) से हमको पता चल जाता है व्हाट इज गुड्स व्हाट इज सर्विसेज. तीन शेड्यूल देखे, शेड्यूल 1 जो बोलता है बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लो, शेड्यूल 2 जो बताता है क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है, और शेड्यूल 3 जो हमको नेगेटिव लिस्ट बताता है. एक चीज बतानी रह गई आपको 7(2)(b). 7(2)(b) ने क्या बोला, 7(2) पूरा है सप्लाई एक्सक्लूड्स, जिसमें 7(1)(a) (fb) चेंजेस है, और 7(2)(b) में दो एडिशनल चीजें और है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज किया और बोला कि अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 243(g) 243(w) के रिलेशन में कोई सर्विस देती है, गवर्नमेंट अगर 243(g) और 243(w) के रिलेशन में कोई सर्विस देती है, ये क्या होता है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर करना, सीवेज रिपेयर करना, ये सब क्या होता है आर्टिकल 243(g)(w) में फॉल होता है.
तो ये वाली सर्विसेज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो इस पे जीएसटी मत लगाना। और दूसरा, क्या आज जहां मेरी इच्छा हो वहां पे मैं यहाँ ठंडी बियर मिलती है वाइन शॉप का बोर्ड लगा के बैठ सकती हूँ क्या? द आंसर इज नो। वाइन शॉप खोलने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट से लेते हो। तो ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में लाइसेंस फ्री में तो देगी नहीं सरकार, लाइसेंस देने के लिए आपके लाइसेंस फीस चार्ज करेगी। तो वो जो लाइसेंस फीस आपसे चार्ज किया जाता है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे दो एडिशनल एक्टिविटीज और है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी, जो गवर्नमेंट खुद ही करती है। ये दो चीजें गवर्नमेंट खुद करती है, आर्टिकल 243G 243W के काम, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स जो लिकर लाइसेंस ग्रांट करती है। नेगेटिव लिस्ट तो नेगेटिव लिस्ट है ही, उनके अलावा ये दो एडिशनल चीजें हैं जिनको भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। से यस और नो। गौरांग, आपका डाउट एग्जेम्पशन के साथ क्लियर हो जाएगा, सही है? चलो यहाँ पे पूरा सेक्शन 7 कंप्लीट होता है। मेरा ना माइक का बैटरी खत्म होने वाला है, जस्ट नीड 5 मिनट्स टू चार्ज, तो एक छोटा सा 2-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो तब तक आप लोग अच्छे से शांति से एक बार पूरा सेक्शन 7 रिवाइज करोगे एंड देन सर्कुलर्स करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर हम फटाफट से 15-20 मिनट्स में सारे सर्कुलर्स को वाइंड अप कर देंगे। एक जल्दी से मुझे ना 2-5 मिनट दो, माइक थोड़ा सा चार्ज हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ, चलो 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 आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से आ जाओ। थोड़े से सर्कुलर्स क्लेरिफिकेशंस डिस्कस करते हैं, बाकी के हम लोग कल करेंगे। तो कल का टारगेट रहेगा टू कंप्लीट सप्लाई, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई और चार्ज भी, लेकिन अभी 10 मिनट और 10:30 तक का टाइम है। और पावर बैच में जल्दी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू फिनिश ऑफ दिस बैच इन 14 to 15 days। समझो आप ब्रेक मांगोगे मैं दे दूंगी, आप बोलोगे जल्दी छोड़ दो मैं छोड़ दूंगी, लास्ट में क्या होगा, एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है? अल्टीमेटली आप ही का वो एक दिन वेस्ट होने वाला है। अभी मैं आपको 10:15 छोड़ू या मैं आपको 10:30 छोड़ू, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू यू। बट समझो 15 दिन रोज 15-15 मिनट जल्दी छोड़ूंगी तो एक लेक्चर जितना टाइम हो जाएगा ना।
तो दिस इज फॉर यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये रेगुलर बैच नहीं है जहाँ मुझे आपको खींचना है कि चलो आओ पढ़ो ध्यान दो, ये पावर बैच है जहाँ पे आपको मुझे पुश करने के अरे मैम हम तो एकदम जोश में आधा घंटा और ले लो, आप तो फटाफट से बस खत्म करो कोर्स, ठीक है छुट्टी वुट्टी मत मांगा करो, क्या है ब्रेक में आपको दे दूंगी जितना चाहिएगा, डन है चलो आ जाओ, पूरा जीएसटी 14 दिन में खत्म करना इज नो जोक नो मजाक, वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, टारगेट 80+ का लेके चल रहे हैं तो उतनी मेहनत भी करेंगे। चलो सर्कुलर्स क्लेरिफिकेशंस फटाफट से, सबसे पहली हम बात करते हैं डोनेशन की, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। चलो डोनेशन में सबसे पहले क्विड प्रो क्यो क्या होता है, क्विड प्रो क्यो का सिंपल सा मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, जैसे मैं पावर बैच ले रही हूँ, हम यहाँ पे मैं आपके साथ 3.5 घंटे नॉनस्टॉप बोल रही हूँ, मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे रिटर्न में आपका रिजल्ट चाहिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम क्विड प्रो क्यो कर रहे हैं, आपने पावर बैच का फीस पे किया है, आपको रिटर्न में क्या चाहिए, आपको रिटर्न में कंटेंट चाहिए, यानी हम क्या कर रहे हैं क्विड प्रो क्यो कर रहे हैं। आपने अगर डोनेशन दिया, बींग एन इंडिविजुअल डोनर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जहां पे आपको सामने कुछ नहीं चाहिए, बस श्रद्धा भक्ति भाव से दान देना है आपको, यही आपका इंटेंशन है, इसलिए आपने डोनेशन दिया, तो फिर क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए, द आंसर इज नो, बिकॉज वट एवर मनी यू आर गिविंग यू आर नॉट वॉन्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आपका कोई मोटिव ही नहीं है कि आपको सामने कुछ मिले, आप ऐसा मत बोला कि मैम पुण्य मिलेगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पुण्य मिलेगा वो अलग बात है, आपको कमर्शियल टर्म्स में कुछ नहीं चाहिए ना, तो फिर उसमें जीएसटी हम नहीं लगाएंगे। तो तीन कंडीशन है जो आपको सेट ऑफ करनी है, कौन सी तीन कंडीशन, है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये तीनों कंडीशन आपको लिख के भी आनी पड़ेगी, लर्न करनी है तीन कंडीशन कौन सी। सबसे पहला जो डोनेशन दिया वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना है। आज मान मैं इनकम टैक्स के हिसाब से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हूं क्या, नहीं, कौन होते हैं वो जो 12AA, 12AB वगैरह में रजिस्टर्ड होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जिनको गवर्नमेंट एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करती है, उनको आपने डोनेशन दिया तो की बात हो रही है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो लोगों का भला करता है उसको जाके आप पैसा दे रहे हो तो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट डोनेशन दिया, जो भी पेमेंट आपने किया है उसमें कैरेक्टरिस्टिक है गिफ्ट डोनेशन जैसा, वो एक्चुअली गिफ्ट डोनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जो पर्पज है ना वो फिलेंथ्रॉफिक है, फिलेंथ्रॉफिक मतलब दान, डोनेशन का हमारा पर्पज है जहां पे हम ये नहीं चाहते कि सामने हमारा एडवर्टीजमेंट हो, हमको कोई कमर्शियल गेन हो। एक मस्त मंदिर, एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था वो, मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, रजिस्टर्ड था मंदिर, मैंने सोचा कि यार इतने लोग आते हैं मंदिर, मस्त इधर घुसते ही एकदम लोग आते हैं मतलब प्रे करने भगवान को कि भगवान प्लीज सीए बना दो, तो अपन तो बिल्कुल इधर ही बाजू में क्या करते हैं बैनर लगा देते हैं IDT सफल बैच, IDT पावर बैच, और मैंने क्या किया दान के नाम पे मंदिर वालों को बोला ये लो 20 लाख रुपीज मेरी तरफ से दान, सामने क्या करना मस्त बढ़िया सफल बैच का बैनर लगा देना, तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा, द आंसर इज येस। मेरा दान करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे तो अपना एडवर्टीजमेंट करना है, मुझे तो अपना कमर्शियल गेन दिख रहा है, लेकिन यहीं पे उन्होंने, मैंने 20 लाख दिए और उन्होंने सिर्फ ऐसा लिखा कि भाई रिद्धि बागमान ने अपनी दादी की स्मृति में यहाँ पे पैसे दिए हैं, तो क्या वो एडवर्टीजमेंट हुआ, द आंसर इज नो। यहाँ पे ये सिर्फ हमको ग्रेटिट्यूड दिखा रहे, जो कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि आप कहीं पे भी दान देते हो तो एटलीस्ट आपका नाम या फोटो कुछ तो वो लगाते हैं आपको थैंक यू बोलने के लिए, विच इज ओके, वहां जीएसटी नहीं लगेगा, एक मियर डिस्प्ले ऑफ नेम प्लेट कोई कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन वहीं आप अपनी फर्म का नाम लगा दो, बिजनेस का नाम लगा दो, एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश कर लो, तो फिर हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो एडवर्टीजमेंट सर्विस है, वो एडवर्टीजमेंट सर्विस है, आप उसको दान की शक्ल में छुपा नहीं सकते हो, उसमें जीएसटी लग जाएगा। सेकेंड, आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। मानो मजनू भाई ने मस्त बढ़िया गधेड़े का पेंटिंग किया, मजनू भाई ने मस्त बढ़िया गधे का पेंटिंग किया और उसको एग्जीबिशन में भेजा, इस चाह में कि कोई तो मस्त मलिका शरावत आएगी और उनकी पेंटिंग को पसंद कर लेगी। तो आज जब मजनू भाई ने आर्ट गैलरी को ये पेंटिंग भेजा है और सामने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, आर्ट गैलरी को पेंटिंग भेजा, इधर पेंटिंग लगा दो, जब कोई मलिका शरावत आएगी तब की बात है, तो आज ऐसे ही फ्री में पेंटिंग भेजना क्या सप्लाई माना जाएगा, जल्दी से बताओ, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, सेक्शन 7(1) समझाने के बाद
आपको आना ही चाहिए। बोलो 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 जल्दी से। द आंसर इज नो। देखो मैम, गोल्डन रूल, सुनहरा, सुनहरा रूल को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं गाइस, रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो समझ गए उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनके लिए और भी अच्छी बात है। गाइस, रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भाई ये गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, अनलेस कि ये शेड्यूल वन में फॉल हो। शेड्यूल वन में फॉल हो रहा है क्या? परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट है, नहीं। रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन है, नहीं। एजेंट प्रिंसिपल है, नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, नहीं। ये कहीं भी फॉल नहीं हो रहा है, मतलब गोल्डन रूल के अंडर आ जाएगा। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई रूल को नियम बोलते हैं। वेरी गुड। तो सुनहरा नियम है ये जीएसटी का एक सुनहरा नियम है कि जब भी आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा तब उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आर्टिस्ट ने, मजनू भाई ने, मल्लिका शरावत की चाह में जब गैलरी को पेंटिंग भेजा है फ्री में, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। हावेवर जब एक्चुअली कोई मल्लिका शरावत आएगी, पेंटिंग को परचेज कर लेगी, पसंद कर लेगी, कंसिडरेशन देगी, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ सप्लाई हो चुका है। राइट। क्लैरिटी ऑन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने को ऑलरेडी पता है कि भाई जीएसटी एसेंशियली क्या है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। पर्सनल गाड़ी, पर्सनल ज्वेलरी यूज करके बेचना सप्लाई नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे उसका आंसर देना। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सलमान भाई। यहाँ कौन है? सलमान भाई है। सलमान भाई भी क्या करते हैं? पेंटिंग्स बनाते हैं। सलमान भाई ने एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई है। सलमान भाई ने बोला कि भाई पेंटिंग्स बनाते हैं, बेचते रहते हैं। उन्होंने बोला कि पेंटिंग बेच के जो भी पैसा मिलेगा सारा का सारा मैं बीइंग ह्यूमन को देने वाला हूं। फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कि बीइंग ह्यूमन क्या है? एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सलमान भाई ने ऐसा बोल दिया कि भाई पेंटिंग बेच के जो पैसा मिलेगा सारा का सारा पैसा बीइंग ह्यूमन, जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देने वाला हूं। तो क्या पेंटिंग बेचने को बिजनेस मानूं कि ना मानूं इज माय क्वेश्चन। बताओ, तुम लोग टाइम पास मत करो, क्वेश्चन का आंसर दो। चलो, सलमान भाई ने बोला पेंटिंग बेच के जो भी पैसा मिलेगा सारा का सारा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया जाएगा। तो क्या ये पेंटिंग बेचना बिजनेस है या नहीं है? जल्दी जल्दी से बोलो। चलो, टाइम पास नहीं, आंसर दो, ये बिजनेस है कि नहीं है? यस 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 मैम, ये बिजनेस है। देखो, आज अगर पावर बैच है, आपने परचेस किया, आपने मुझे फीस दिया, क्या आपको उससे कोई भी मतलब है कि मैं फीस के साथ क्या करूंगी? हो सकता है मैं फीस दान कर दूं, मेरे मम्मी पापा को दे दूं, उड़ा दूं, बॉयफ्रेंड पे खर्च कर दूं, जला दूं, कुछ ले लूं उससे। दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर यू, दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर यू। ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई आप फीस दे रहे हो जिस फीस को मैं दान देने वाली हूं, तो इसको बिजनेस नहीं मानेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, पैसा मिलने के बाद बिजनेस उसका क्या करती है, वो बिजनेस के ऊपर है। पैसा मिलने के बाद बिजनेस क्या करेगी, वो बिजनेस के ऊपर है। आपने माल बेचा, सामने पैसा लिया, इट इज बिजनेस अंडर जीएसटी। तो भाई एक फेमस एक्टर जो पेंटिंग बेचते हैं और फिर जो पैसा मिलता है वो डोनेट कर देते हैं, तो भी सप्लाई होगा, तो भी बिजनेस माना जाएगा। डोनेशन तो एक सेकेंडरी चीज है। अब बिजनेस को पैसा मिला, फिर उनको जो करना हो वो कर सकते हैं। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। तो भाई एक एम्प्लॉई जब सर्विसेज देता है किसी एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी में जितना भी इंक्लूड हो जाता है वो सारा नेगेटिव लिस्ट में जीएसटी के परव्यू से बाहर हो जाता है। यस और नो? यस। चलो, अभी हम आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। प्रिंसिपल एजेंट का क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो यहां से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में जितना भी पढ़ा है सारा का सारा रिवाइज करके आना है, और इसके अलावा आप लोग सप्लाई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन 7, 1, 2, 3 और 1A तो पूरा करवा ही दिया है। सेक्शन 8 ना करवाऊं तो भी आपको पता है कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई प्रिंसिपल रेट से टैक्सेबल होता है और मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल होता है। इंटर सीए का पॉइंट है, 10 मिनट में कल समझा भी दूंगी, पर फिर भी आपको आता है। मतलब आप इस पोजीशन पे हो कि आप सप्लाई के क्वेश्चंस होमवर्क में करके आ सकते हो। जो एकदम क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैं लूंगी क्लास में, क्योंकि इनिशियल 3-4 लेक्चर चैप्टर्स में तो हम ऐसे ही जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो लेकिन फिर भी आप अपने एंड से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि कल का आपका होमवर्क थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, चलो
अब सुनो, जिसको कोई भी दिक्कत है, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब लेक्चर के ऑर्डर के रिलेशन में कोई दिक्कत है कि मैम ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन अभी तक बुक नहीं आई है, सीरियल की नहीं मिली है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो कृपया करके मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मैं इस बैच के बाद, मेरा इंटर का बैच होगा, शाम को इंग्लिश सीए फाइनल का भी बैच होगा, तो पॉसिबल है कि मुझे तो आपका मैसेज देखने में ही टाइम लग जाएगा। आपको करना है 9584510000 पे कॉल या मैसेज, ये ऑफिस का नंबर है। आप सीरियल की नहीं मिली मैम, बुक डिस्पैच नहीं हुई के लिए मुझे फोन करोगे, मैं रहती हूँ अहमदाबाद, काम होता है सारा इंदौर से, तो वैसे भी मुझे भी उनको ही फोन करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली फोन कर दो, ठीक है। तो ये ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत है टेक्निकल रिलेटेड तो आप इस पे कॉन्टेक्ट करोगे, कोई दूसरी दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, तो फिर 9714111666 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, करो, मतलब ये तो ऑफिस का नंबर है, मुझे डायरेक्टली कॉल मत करो, मैं लेक्चर में होंगी तो मैं कैसे फोन उठा सकती हूँ, अभी किसी का फोन आया तो मैं नहीं उठा सकती हूँ ना, आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो ये मेरा नंबर है जिसपे कृपया करके कॉल ना करें, मतलब रात को 12-12:30 बजे भी तुम फोन कर रहे हो, मेरे माँ बाप मेरे को पूछ रहे कि तेरे को इतना रात को किसको फोन आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। डू नॉट कॉल मी, टेक्स्ट मी, आई विल गिव यू टाइम अगर कॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो, वरना हम टेक्स्ट पे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। इसके अलावा कुछ और है तो faststudentcare@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो, तो मेल का रिवर्ट भी आपको टीम से आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना, टेक्निकल चीजों के लिए आप मुझे टेक्स्ट मत करना, क्योंकि मैं, मेरे को भी वहीं बोलना पड़ेगा, काम अल्टीमेटली आपका इंदौर से ही होने वाला है। कल का लेक्चर भी हमारा यूट्यूब पे होगा, तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो कल तक मेक श्योर कि आप एनरोल कर लो, ताकि आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाए, बिकॉज परसों से फिर हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये ओपन सेशंस यूट्यूब पे नहीं होने वाले हैं। तो आपको मजा आया हो, आज सब कुछ समझ आया हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि एनरोल कर ले बैच के लिए, एंड आज का सेशन यूट्यूब पे रहेगा तो वो बाद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टुमारो ऑल्सो द सेशन विल बी ऑन यूट्यूब, डू नॉट वरी, आपने बैच के लिए एनरोल किया है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे लेक्चर्स दिखाने हैं, तो आपको सीरियल की वगैरह मेल पे सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वासु, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो, नोट्स का सॉफ्ट कॉपी देने वाले हो क्या? द आंसर इज नो। क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी देने वाले हो? द आंसर इज यस। आपको जब मेल पे पावर का ड्राइव लिंक मिलेगा तो उसमें जो अपना न्यू क्वेश्चन बैंक है, May 24 का जो न्यू क्वेश्चन बैंक है, उसका सॉफ्ट कॉपी एक्सेस आपको मिल जाएगा आपकी ड्राइव में, नोट्स नहीं मिलेगी। अगर ये हैंड रिटन नोट्स जिससे मैं पावर बैच ले रही हूँ ये आपको चाहिए, तो यू विल हैव टू ऑर्डर दी हार्ड कॉपी, जिसका लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, क्वेश्चन बैंक आई विल शेयर, ऑब्वियसली क्वेश्चंस में नोट्स मेरी मेहनत है, क्वेश्चंस आईसीआई के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, आई जस्ट कंपाइल्ड एंड पुट देम इनटू वन फाइल। सो क्वेश्चन बैंक में हमेशा से फ्री में शेयर करती आई हूँ और इस बार भी करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, अब किसको कोई डाउट रह गया हो, तो जब हम ऐप पे शिफ्ट होंगे परसों से, तब तो मैं लेक्चर के बाद वेट करूंगी रोज 15-10 मिनट सबके डाउट सॉल्व करने के लिए। आज का सेशन यूट्यूब पे है, विच इज गोइंग टू स्टे ऑन यूट्यूब, तो फिर मैं अभी लेक्चर एंड कर रही हूँ टेलीग्राम पे। नाउ टेलीग्राम पे सीए रिद्धि बागमार नाम का हमारा चैनल है, जिसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लेना। कभी क्लास में शायद डिले हो, कुछ भी हो, तो यहीं पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आज लेक्चर शायद 10 मिनट लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कोई भी चीज़ है यहीं पे सब इन्फॉर्म होगा। कुछ नोट्स शेयर करनी है, कुछ भी शेयर करना है, सब कुछ यहीं पे होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप और उसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हो। एंड अगर किसी को कोई डाउट रह गया है, तो डाउट भी आप टेलीग्राम पे डाल देंगे, सेम डे सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर रिजल्ट्स मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं रिप्लाई करने के लिए, तो पर्सनल मैसेज रिप्लाई करने में हो सकता है टाइम लग जाए, ग्रुप के मैसेज में सारे के सारे सेम डे रिप्लाई कर देती हूँ। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स का वर्जन 3 है, तो परफेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। जिनके पास वर्जन 2 है हैंड रिटन नोट्स का, जो November 23 के लिए एप्लीकेबल था, तो उन लोगों को नई बुक लेनी रहेगी। आप देख लेना आपका बुक का फर्स्ट पेज ऐसा है क्या।
आपको अगर कंफर्म करना है कि आपकी बुक ओके है या नहीं, दिस हैज टू बी योर फर्स्ट पेज, जहां पे मैंने लिखा है कि ऑल अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर आर कवर्ड. आप अगर आपकी बुक में लिखा है ऑल अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर आर कवर्ड, मतलब आपकी बुक परफेक्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है. यहीं पे खोल के देख लेना, फर्स्ट पेज पे मैं हमेशा लिख के देती हूँ कहां तक के अमेंडमेंट्स कवर्ड है. वर्जन 2 है आपके पास तो फिर पुरानी वाली बुक है, तो मेक श्योर आप नई बुक ले लो. बिकॉज देख लो, आज पहले लेक्चर में कितने सारे अमेंडमेंट्स हमने कवर किए हैं, एंड ट्रस्ट मी इस बार हर लेक्चर में, हर चैप्टर में अमेंडमेंट्स होने वाले हैं. इतना सारा इनकॉर्पोरेट करते करते थक जाओगे. ठीक है, चलो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस. कल का सेशन यूट्यूब पे ही है. बढ़िया एनर्जी के साथ आना और 15 दिन मेरे साथ बने रहना. मुझे चाहिए सारे बच्चे मस्त एकदम 80 प्लस लेके आओ. 80 हैज टू बी द न्यू 40 फॉर आर IDD स्टूडेंट्स. डन है, चलो चलते हैं, मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर.